Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is going to be about your prediction for the month of July 2023. Kaisa rehne wala aapka July 2023 ka month? What is happening for you? What's in store for you in July 2023? और ये जो रीडिंग है ये आपके बर्थ डेट पर बेस्ड होगी, बिकॉज इट्स द ईजीएस्ट वे फॉर everyone टू पिक अ पाइल. तो कई बार हमारी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही होती है, और मैनी अ टाइम्स मैनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट योर सन साइन और मून साइन इन द वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप. अगेन, आपका सन कौन सा साइन में प्लेस है, आपका मून कौन सा साइन में प्लेस है, सम ऑफ यू और मैनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट इट. इस वजह से हम एक ईजी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो है अगेन सारी इन्फॉर्मेशन है. सो तीन पाइल्स हैं. फर्स्ट पाइल इज गोना बी द सात्विक पाइल, द सेकेंड पाइल इज गोना बी रजासिक पाइल, द थर्ड पाइल इज गोना बी तामसिक पाइल. तो पाइल नंबर वन जो है, इट्स गोना बी, अगर आपका जो बर्थ डेट है वो आपके कैंसर लियो सेजिटेरियस स्पाइसी सीजन में आता है, आपका बर्थ डेट, आपका बर्थडे इन सीजन्स में से एक सीजन में आता है, तो यू हैव टू चूज पाइल नंबर वन. देन पाइल नंबर टू इज गोना बी, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो एरीज टॉरस जेमिनी लीब्रा सीजन में, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर टू. अगर आपका जो बर्थ डे है वो वर्गो स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस सीजन में आता है, यानी तामसिक साइंस वाले सीजन में आता है, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर थ्री. सो अगेन ईजी वे, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहाँ पर पाइल चूज करने के लिए. वी आर नॉट डूइंग दिस रीडिंग अकॉर्डिंग टू द वैदिक सन साइन मून साइन. जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिप्शन में, उस कॉन्सेप्ट से आपने अपनी पाइल जो है पिक करनी है. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग नाउ. सो पाइल नंबर वन से हम शुरू करेंगे. हेलो पाइल नंबर वन, सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल क्योंकि आपका जो बर्थ डेट है वो सात्विक साइंस में आता है, सात्विक साइंस के सीजन में आता है, कैंसर लियो सजिटेरियस स्पाइसिस सीजन में, किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लेंगे मेन टैरो से, व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन जुलाई 2023. पाइल नंबर वन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई 2023 में. ओके, वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स. ऑल राइट, ब्यूटिफुल. हियर दिस कार्ड टेल्स मी कि कहीं ना कहीं आपको कोई ग्रुप प्रोजेक्ट में वर्क करना पड़ सकता है, एंड यू कैन इवन बिकम यू नो अ लीडर देयर, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डेक वी हैव द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो डोनेशंस का कार्ड है. तो डोनेशन कौन कर सकता है, जो खुद पहले बात तो भरपूर हो, जो खुद पहली बात तो अबंडेंट हो, राइट. चाहे वो एनर्जी का, टाइम का, किसी को अपना समय दे रहा है, समय डोनेट कर रहा है, उसके साथ बैठ के उसकी बात सुन रहा है, अगेन वो भी समय का, एनर्जी का डोनेशन है. आप मनी का डोनेशन कर रहे हो, तो अगेन आपके पास मनी होना चाहिए या फिर समय होना चाहिए उसको देने के लिए. तो आप देवता हो, लेवता नहीं देवता हो. तो समहाउ यू आर गिविंग समथिंग टू द अदर पर्सन, इवन लाइक यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको एक ग्रुप में वर्क करना पड़ेगा, एक ग्रुप प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, एंड यू आर गोना बी द लीडर. बिकॉज लीडर जो होता है वो दूसरों को गाइड करता है, एडवाइस करता है. तो आपकी एडवाइजिंग स्किल, आपकी गाइडिंग स्किल जो है वो आपको देनी पड़ेगी, वो दूसरों को हेल्प करने के लिए आपको अपनी गाइडिंग एडवाइजिंग स्किल का यूज करना पड़ेगा. आपको एक लीडरशिप पोजीशन पर आना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज डूइंग द वर्क प्रॉपरली. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको चलना पड़ेगा जुलाई के मंथ में. एंड या यू कैन इवन डोनेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द जुलाई मंथ. ऐसा हो सकता है आप घर शिफ्ट कर रहे हो, तो आप काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें डोनेट कर दो, दैट कैन इवन हैपन. या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर आप डोनेट करते हुए नज़र आ रहे हो, मे बी अगेन यू आर डोनेटिंग सम बिग अमाउंट ऑफ मनी, और या फिर आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें जो है शेयर कर रहे हो, या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हो बहुत सारी चीज़ें, दैट कैन एक्चुअली हैपन. सो या शेयर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, अगेन इट कैन बी योर पिक्चर्स, इट कैन बी योर वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम और ऑन व्हाट्सएप, यू आर जस्ट यू नो शेयरिंग एवरीथिंग. सो ये यहाँ शोर है, आप सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो इन जुलाई मंथ.
देन वी हैव द टेन ऑफ पेंटिकल्स. टेन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है. रिच और अबंडेंस को शो करता है, वेल्थ को शो करता है. पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है, मनी की एनर्जी है, रिसोर्सेस की एनर्जी है. और टेन ऑफ पेंटिकल्स भरपूरता शो करता है हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो रिलेशनशिप है उनके साथ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप है, या फिर आपके मनी वाइज वेल्थ के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, उन सभी चीज़ों में 10/10, उन सभी चीज़ों में अबंडेंस उसको शो कर रहा है. तो आप काफ़ी सेटिस्फाइड यहाँ पर नज़र आ रहे हो, आप यहाँ पर वर्क करते हुए भी नज़र आ रहे हो. और नॉट बींग लेजी, लेजी होने का आपको टाइम नहीं मिलने वाला जुलाई के मंथ में. यू आर नॉट बींग लेजी, यू आर एक्चुअली वेरी एक्टिव इन योर वर्किंग. यू आर वर्किंग विद अदर पीपल, यू आर गाइडिंग अदर पीपल, यू आर हेल्पिंग अदर पीपल. और आप वर्क में काफ़ी इन्वॉल्व हो क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है. 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. तो आप वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो. अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो. एजुकेशन में आपको ग्रुप प्रोजेक्ट मिल सकता है. वर्क में, करियर में आपको ग्रुप प्रोजेक्ट करना पड़ सकता है. अगर अगेन आप बिजनेस में हो तो बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हो किसी और कंपनी के साथ, दैट कैन हैपन. या बिजनेस पार्टनरशिप्स अब आपकी वर्क करने लगेगी जुलाई के मंथ में स्पेसिफिकली. स्पेशली जुलाई के मंथ में चीज़ें जो है बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो बहुत अच्छी चले. इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, मतें एक दूसरे की मिले या एक दूसरे को हम गाइड करें, एडवाइस करें, ये चीज़ नज़र आ रही है. एंड यू आर गिविंग समथिंग टू द अदर पीपल विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग कि आपको कुछ रिटर्न में मिलेगा. ये बहुत अच्छी बात है, आप देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो. सो यू आर ऑन अ पोजिशन जहाँ पर एक हायर पोजिशन पर हो तभी आप दे रहे हो सभी को. पानी भी जो है एक ऊपर से नीचे गिरता है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाता है. अगेन मोटर लगा दो अलग बात है, बट अगेन पानी का जो फ्लो है वो नीचे की तरफ होगा. तो समहाउ यू आर ऑलवेज यू नो गिविंग. और जो मनी है उसको भी हम कैश फ्लो कहते हैं, लिक्विड मनी कहते हैं. तो लिक्विड इसमें गिना जाता है मनी को भी. जब मनी आता हुआ भी नज़र आ रहा है और आप ये देख रहे हो कि मेरे पास मनी आ रहा है तो आई हैव टू हेल्प अदर पीपल, आई शुड गिव समथिंग टू दी अदर पर्सन एज वेल, टू अदर पीपल एज वेल, आई शुड ऑल्सो हेल्प अदर पीपल. तो ये नेचर जो है ये आपके अंदर जागती हुई नज़र आ रही है. एंड यू आर लिविंग अ कम्फर्टेबल लाइफ, यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट. और अगर आप ये देख रहे थे कि मैं ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा रूटीन अच्छा नहीं है, मेरे पास सेल्फ कंट्रोल की कमी है, या फिर मैं जल्दी नहीं सोता, मैं जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, ये सब चीज़ें, ये जो स्केड्यूल वाली चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ें हैं ना, ये सब जो आपकी प्रॉब्लम्स है ये ठीक हो जाएगी. ये टाइम यहाँ अपने आप मैनेज होने लगेगा आपका, और आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे भी हो जाओगे. धीरे धीरे आप हर चीज़ मैनेज यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो जुलाई के मंथ में. यू आर काइंड ऑफ लाइक लिविंग योर लाइफ इन द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आपको इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, या फिर अगर मुश्किलें हैं भी तो आप बहुत अच्छे से उसका सामना कर लेते हो. आपकी अगेन जो दिनचर्या है, रूटीन है, वो समा बहुत अच्छा हो गया. Suddenly it became very good. So yeah, these kind of things sometimes also happen automatically. कई बार हम जोर लगाते रह जाते हैं, but कई बार ये automatically भी हमारा routine जो है अच्छा हो जाता है. तो समय जो है, Saturn, again Saturn is time, समय जो है वो आपका साथ दे रहे हैं. Saturn is also retrograde. तो Saturn is our effort. तो effort जो है अब आपके एक तरह से रिफाइन होने वाले इन दिस सैटर्न रेट्रोग्रेड. ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका है. आई थिंक 17 या 18th ऑफ जून को रेट्रोग्रेड हुआ था. आई थिंक 17th को रेट्रोग्रेड हुआ था, वो भी दोपहर के टाइम पर, 1-2 बजे के अराउंड इंडिया में. तो इंडिया टाइम अकॉर्डिंग. तो अगेन सैटर्न बीइंग रेट्रोग्रेड शोज कि आप अपने एफर्ट्स को रिफाइन करने वाले हो. आप अपने जो करियर है उसके अंदर जो एफर्ट्स करते हो उसको रिफाइन करने वाले हो. क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड हुआ है, तो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो अपने से पिछले वाले साइन जैसा इफेक्ट देता है. तो क्योंकि एक्वेरियस में सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ तो कैप्रिकॉर्न जैसा इफेक्ट देगा. इट सैटर्न इज गोन बिहेव लाइक इट्स इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑल दो इट्स इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, बट इट्स गोन बिहेव लाइक इट्स इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न हमारे वर्क, हमारे करियर, हमारे एफर्ट्स को शो करता है. तो वो सब चीज़ें आपकी रिफाइन होगी. वर्क रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, आप जिसमें भी परफेक्शन लाना चाहते हो उस चीज़ में आप परफेक्शन ला पाओगे. ये यहाँ पर कार्ड्स भी शो कर रहे हैं, एंड ऑफकोर्स जो सैटर्न प्लैनेट है वो भी रेट्रोग्रेड में यही शो कर रहे हैं. सो दैट कैन बी सीन. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं इस एस्ट्रोलॉजी डेक से फॉर पाइल नंबर 1.
ऑल्सो यू मे गेट टू नो अबाउट योर ancestors, अपने दादा दादी पर दादा पर दादी पर नानी पर नाना उनके बारे में, अपने ग्रेट ग्रैंड फादर्स के बारे में आपको जानने का मौका मिले. इसके भी हाई चांसेस है कि आपको उनको जानने का मौका मिले. आप कहीं ना कहीं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर या उनके पास मिलने उनसे जा सकते हो, उनके घर जा सकते हो. अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है उन्होंने शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो आप उनके जहाँ पर वो रहते थे उस जगह पर जाओ, अपने ancestral lands की तरफ जाओ. That can happen. Some of you can even get some ancestral land in the month of July. Then we have 9th house, exploration. Again, 9th house shows travel. So you travel आपके of course ancestral lands की तरफ हो सकता है. ये pilgrimage travel भी आप July के month में कर सकते हो. Travel for leisure, travel for pleasure भी यहाँ पर हो सकता है. But 9th house religion के बारे में show करता है. तो कोई religious travel यानी pilgrimage travel होने के high chances है July के month में. And also with the 9th house, luck and fortune is on your side. मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि समय का साथ है, तब इस वजह से आपको effort शायद इतना ना लगे. Automatically चीज़ें जो है refine हो, automatically आपके efforts refine हो, automatically आपकी दिनचर्या, आपका routine सुधरे. तो समय जो है जुलाई का काफ़ी लकी आपके लिए नज़र आ रहा है और काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, पॉजिटिव नज़र आ रहा है. Then we have the 4th house, home. I told you this, like you can actually go to an ancestral place, ancestral home, you can get ancestral land. So, kahin na kahin, you can visit your paternal or maternal home. That can happen. And also with the 4th house of home, कोई घर में renovation भी हो सकती है. आप में से कुछ लोगों के घर में renovation, घर को और थोड़ा beautify करना, beautification में ध्यान देना घर की. और इनफैक्ट 4th हाउस इज अ मोक्षा हाउस. तो मोक्षा हाउस 4th हाउस स्लीप का भी हाउस है, 12th हाउस भी स्लीप का हाउस है, 4th हाउस भी स्लीप का हाउस है. तो नींद जो है, स्लीप जो आपकी इंप्रूव हो. अगेन ये ज़रूरी नहीं कि आपको 8 घंटे सोना है, ये साइंस कहती है, ये कोई है नहीं बात मानने की. क्योंकि ये भी देखा गया है कि 8 घंटे जो सोता है वो ज़्यादा लेजी फील करता है, मेरे जो 4 घंटे सोता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक है. तो वो डीप स्लीप की बात होती है. एक डेल्टा गामा कुछ ऐसा वेरिएशन होता है हमारे स्लीप में. तो वो जो डीप स्लीप होती है ना, वो मैटर करती है. तो आप चाहे 4 घंटे सो, 5 घंटे सो, डीप स्लीप मैटर करती है. क्योंकि बस हम सोते इंसानी आत्मा सिर्फ 4 घंटे उसके लिए इनफ होता है सोना वैसे. और वो जो बाकी घंटे होते हैं वो उस टाइम पर हमें सपने भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम वो डीप स्लीप में नहीं होते. तो कहीं ना कहीं विद द 4th हाउस ऑफ होम, 4th हाउस ऑफ मोक्षा, 4th हाउस ऑफ स्लीप, 4th हाउस ऑफ पीस ऑफ माइंड, ये इम्प्रूव हो रहा है. घर की कंडीशंस इम्प्रूव हो रही है. घर में क्लह कलेश की जगह शांति है, शांति के वाइब्रेशन है. वो वाइब्रेशन ऑफ कोर्स आप कैच करोगे ही करोगे. तो कहीं ना कहीं आपकी स्लीप इम्प्रूव हो रही है, हेंस आपका वर्क इम्प्रूव हो रहा है, आपके एफर्ट्स इम्प्रूव हो रहे हैं. एनर्जी नहीं होगी तो क्या करोगे, राइट? यहाँ पर एनर्जी फुल नज़र आ रही है आपके अंदर, और स्लीप आपकी अच्छी नज़र आ रही है, और पीस ऑफ माइंड यहाँ पर बना हुआ नज़र आ रहा है. ऐसे ख़राब नहीं है पीस ऑफ माइंड, अच्छा है पीस ऑफ माइंड. दैट्स वाई एफर्ट्स आर वेरी इम्प्रूव्ड. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन फॉर पाइल नंबर 1 फॉर जुलाई 2023. ओके, वी हैव प्योरिटी कार्ड. सो दिस प्योरिटी कार्ड टेल्स अस कि कहीं ना कहीं यू विल लाइक टू लिव अ प्योर लाइफ, यू विल लाइक टू बी अ परफेक्शनिस्ट, यू विल लाइक टू डू योर बेस्ट. आप बेस्ट से बेस्ट या परफेक्ट से परफेक्ट खुद एफर्ट करते हो, और वही चीज़ दूसरों से एक्सपेक्ट भी करते हो, वही चीज़ चाहते हो कि वो मुझे भी मिले. अगर मैं किसी को परफेक्ट काम करके दे रहा हूँ तो वो भी मुझे परफेक्ट काम दे. अगेन, डोंट हैव सच एक्सपेक्टेशंस. बट प्योरिटी कार्ड ये शो करता है दैट यू डोंट वांट अ कॉम्प्रोमाइज. आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ चाहिए, और आप उसके लिए एफर्ट करने को तैयार हो, और वो चीज़ आपको मिलेगी भी. अगर आप खुद अच्छा एफर्ट कर रहे हो ना, पहली बात तो एक्सपेक्ट मत करो, लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर यू. जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना तो गड़बड़ हो जाती है. क्योंकि जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स होता है डोनेशन का, डोनेशन ऐसे कहते हैं कि एक हाथ से दो. डोनेशन तो ऐसा है कि जब एक हाथ से दोगे तो साथ वाले हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने डोनेट करा, आपने दान किया. तो दान करने का मतलब ये होता है कि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करना कि हमें कुछ मिले सामने से. तो वही चीज़ लाइफ में आपको अप्लाई करनी है. कोई भी रिलेशनशिप हो,
उसका काम करते रहो, बट एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन ही जो है आपको दुखी करेगी, आपको परेशान करेगी। तो और अगेन आपका पीस ऑफ माइंड लेकर जाएगी। पीस ऑफ माइंड ना रहना वो भी अपवित्रता है। वेस्ट थॉट्स चलना अपवित्रता है, चाहे वो नेगेटिव नहीं है पर वो वेस्ट थॉट्स है, वो अपवित्रता है, वो इम्प्योरिटी है। तो कहीं ना कहीं विद द प्योरिटी कार्ड इट शोज कि माइंड अच्छा रहेगा, प्योर रहेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा, और आपका माइंड सोल्यूशन सोच सकता है। एक कारण वाली बुद्धि नहीं है, निवारण करने वाली बुद्धि, आप हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हो। प्योर यानी पवित्र, प्योर यानी कि पावरफुल, वैसा माइंड यहाँ पर आपका नजर आ रहा है। अगेन आर एक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आर थॉट, तो आपके एक्शन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप काफ़ी रिफाइंड हो, यहाँ से आप काफ़ी क्लीन क्लियर हो, दैट कैन बी सीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द यू नो लाइक विद द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाइफ, करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, फिर उसके बाद आपके फाइनेंसेस, उसके बाद हम कार्ड पुल आउट करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और फिर हेल्थ। सो पाइल नंबर वन जो है उनका करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस कैसा रहता है, पाइल नंबर वन। ऑल राइट, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन शोज लॉट ऑफ क्रिएटिविटी कमिंग टूवर्ड्स यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स शोज आपको काम करने का मौका मिल रहा है, आपको अपना स्किल दिखाने का मौका मिल रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है वर्क की, आपके पास बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जॉब में आपके पास बहुत सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जो आपका मन भी करेगा कि हाँ ये मुझे मिले और मैं इसको करूँ, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको। एजुकेशन में, एजुकेशन में सडनली यू आर लाइक रिचार्ज एंड यू आर लाइक येस आई एम गोना डू दिस, येस आई एम गोना डू दैट। तो एजुकेशन में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आपको करनी पड़ सकती है, और उसमें उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की वजह से आपको रिस्पेक्ट रिगार्ड मिले, या आपको जो है कुछ इन रिटर्न मिल सकता है, मतलब रिकॉग्निशन मिल सकता है, टीचर की शाबाशी मिल सकती है, गुड बुक्स में आ सकते हो टीचर के, दैट कैन हैपन। और एजुकेशन यहाँ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज माइंड जो है आपका क्रिएटिविटी में चला जाता है, तो माइंड कहीं ना कहीं रिचार्ज हो जाता है दूसरे अपने अकेडमिक चीज़ों के लिए। तो एजुकेशन में आप यहाँ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हो। एजुकेशन रिगार्डिंग कोई गुड न्यूज़ आएगी, करियर रिगार्डिंग, जॉब, बिजनेस रिगार्डिंग भी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है जुलाई के मंथ में। सो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ करियर। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा जॉब, बिजनेस में, जो आपको पे करके जाएगी, मतलब मनी पे करके जाएगी। एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा होगा, अच्छे क्लाइंट्स से, अच्छे लोगों से आप मिलोगे। पाइल नंबर टू के पाइल नंबर वन के फाइनेंसेस। ओके, वी हैव द फोर ऑफ कप्स। फाइनेंसेस यहाँ पे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आप सेविंग्स में जो हो बिलीव कर रहे हो, लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर माइंड दैट हैव टू बाय दिस, हैव टू बाय दैट। नेसेसिटीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हो कि ये सारी नेसेसिटीज़ है जो मेरे को फुलफिल करनी है, बट यू आर लाइक अभी नहीं, अभी थोड़ा सा और चला लेते हैं अभी। जैसे लाइक दिस पर्सन इज़ यू नो लाइक सिटिंग लाइक दिस, और यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की, एक्चुअली पीने की चीज़ें ज़्यादा है इस पर्सन के अराउंड घूम रही है। सो यू कैन थिंक अ लॉट अबाउट एक्सपेंसिव प्लेसेस दैट आई शुड गो देयर, आई शुड गो देयर, एंड यू नो कि वो एक्सपेंसिव प्लेसेस, आई मीन इट जस्ट एक्सपेंसिव प्लेस, चीज़ वही है। अब कॉफ़ी जो है वो घर पे भी बन सकते हैं, बट पीपल लाइक टू गो टू स्टारबक्स। कॉफ़ी तो वही है सेम, बट उससे बेटर तो घर पर भी है, बट नहीं, हमने जाना है वहाँ पर। तो अगेन यू मे थिंक अ लॉट अबाउट गोइंग टू एक्सपेंसिव प्लेसेस, बाइंग डिफरेंट थिंग्स, बट यू ऑल्सो नो दैट इट्स नॉट वर्थ इट। तो इन बार इन चीज़ों में आप सोच सकते हो, बट अगेन यू आर लाइक ना आई हैव टू सेव। तो सेविंग्स पर आपका काफ़ी ध्यान नज़र आ रहा है, और आप खर्चे की तरफ भी इस वजह से सोच रहे हो क्योंकि आपके पास मनी आ रहा है। मनी आ रहा है तभी तो कोई खर्च करेगा ना, तो आपके पास भी मनी आ रहा है, पर यू आर लाइक कि हाँ मुझको ये करना चाहिए, करना चाहिए। जो मैंने चीज़ें सोची थी ना पहले, कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, इस महंगी जगह जाऊँगा, इस महंगी जगह खाना खाऊँगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू आर लाइक नहीं, इट्स नॉट रियली वर्थ इट। फूड तो घर पर भी अवेलेबल है, आई शुड जस्ट बी एट होम एंड सेव मनी। तो ऐसा माइंडसेट यहाँ पर मनी के बारे में नज़र आ रहा है, और मनी आपके पास आ भी अच्छा खासा रहा है। इट्स नॉट लेस, इट्स नॉट मीडियोकर, इट्स एक्चुअली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विच यू कैन गेन इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आप काम करते हो, अगर आप करियर में हो, जॉब बिजनेस में हो, तो आपको काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ मनी मिल सकता है, स्पेशली बिजनेस वालों को। तो
और जो प्रमोशन या फिर वो जो सैलरी इंक्रीज चाहते थे अपने जॉब में, तो वो भी मिल सकता है, कोई बोनस भी मिल सकता है जुलाई के मंथ में। नेक्स्ट अप पर्सनल लाइफ ऑफ पाइल नंबर वन। ओके, वी हैव टू कार्ड्स हियर फॉर पर्सनल लाइफ। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द फूल कार्ड। ऑल राइट, दिस शोज कि इफ यू आर इन अ मैरिजेबल एज, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन के साथ आपका इनकाउंटर हो सकता है, लाइक समवन कैन कम इन योर लाइफ हु इज़ वेरी फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर। एक्चुअली दे आर रिच वेल्दी पीपल एंड दे आर वेरी स्टेबल सिक्योर पीपल एंड दे वॉन्ट टू गेट मैरिड। दे आर वेरी क्लियर दैट आई डोंट वॉन्ट बी इन रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। और फूल कार्ड ये शो कर रहा है दैट मे बी यू आर नॉट लाइक इमोशनली मेंटली रेडी फॉर मैरिज, या फिर आप चाहते हो कि मैं थोड़े अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर करूँ अपने अराउंड, मेरे को शायद इससे अच्छा रिश्ता मिले। बट अगर इफ़ यू आर लाइक इन अ मैरिजेबल एज, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड, तो आपके पास बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है जुलाई के मंथ में, इन ऑफकोर्स इन अरेंज मैरिज सिस्टम। मैनी ऑफ यू कैन इवन मीट समवन लाइक ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा स्टेबल सिक्योर वेल्दी पर्सन है, खानदानी पर्सन है इनफैक्ट, ऐसे पर्सन से आफ्टर ट्रैवलिंग टू अ डिस्टेंट प्लेस, बिकॉज फूल का ट्रैवल को भी शो करता है। अगर आप कोई नई चीज़, नई हॉबी क्लास ज्वाइन करो इन द जुलाई मंथ, क्योंकि मैनी ऑफ यू कैन ज्वाइन सम हॉबी क्लास, तो उस हॉबी क्लास में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। और पर्सन लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हो। अगर आपका कोई पेट है, कैट, डॉग और एनी यू नो पेट, मे बी अ रैबिट, तो आप उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, उसके साथ बड़ा लाड प्यार कर रहे हो, आपका उससे बड़ा एकदम से मोह जाग गया है। सो पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो, हैप्पी नज़र आ रहे हो अपने परिवार से। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था परिवार से, तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं यहाँ नज़र आ रहा, चीज़ें जो है बेटर हो गई है, समय हर चीज़ को हील कर देता है। तो समहाउ थिंग्स आर क्वाइट चिल्ड इन योर पर्सनल लाइफ, यू डोंट हैव फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स विद योर फैमिली। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बिजी, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, कोई किसी पर ऐसे उंगली नहीं कर रहा। सी, मतें हर किसी की डिफरेंट है, आपकी मत मेरी मत से डिफरेंट हो सकती है, पर उन डिफरेंट मतों की वजह से क्लैश होना ये ठीक बात नहीं है। एक्सेप्टेंस, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पर पर्सनल लाइफ काफ़ी काम, कंपोज, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, परिवार में आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप वो चीज़ करो जो आपको खुशी देती है, तो कोई किसी को यहाँ तंग करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर यस अबाउट योर हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। सो वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हेयर। टू ऑफ वॉन्ड्स इज अ पॉजिटिव कार्ड दो। टू ऑफ वॉन्ड्स शोज कि आप अपने आप को समय देते हो, आप अपनी फिजिकल हेल्थ को समय देते हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ को समय देते हो, तो आप खुद एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए। आपने खुद एक समय निकाला है अपने लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। पहले के टाइम पर हम ये देखते थे, सुनते थे कि एक घंटा नहीं दे सकते आप अपनी फिजिकल हेल्थ को, इस शरीर में आत्मा ने 70-80 साल रहना है, तो आप इस शरीर के लिए एक घंटा नहीं निकाल सकते, शेम ऑन यू। लाइक वी यूज टू हियर दीज थिंग्स, आज भी हम ये चीज़ें सुनते हैं। बट उसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी हो गए कि आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा नहीं दे सकते हो, दे सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना, तो आप ये करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई ना कोई आप प्रैक्टिस, कोई ना कोई आप एफर्ट कर रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए एंड ऑफ कोर्स अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, इसको इम्प्रूव करना चाहते हो, आप लेजी नहीं नज़र आ रहे हो। सो दैट्स अ गुड थिंग, यू आर वर्किंग ऑन दैट। सम ऑफ यू कैन इवन गेट ऑनलाइन थेरेपी, मतलब सम ऑफ यू, नॉट एवरीवन, बट सम ऑफ यू मे इवन गेट ऑनलाइन थेरेपी। ऑनलाइन आप किसी से बात करो, अपनी प्रॉब्लम को बताओ और फिर वो आपको कोई सोल्यूशन दे, दैट कैन हैपन। बट यहाँ पर सोल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, मे बी यू जस्ट यू नो गूगल समवेयर और यू यूट्यूब समथिंग, और उस वीडियो से, उस आर्टिकल से यू गेट टू लर्न समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू गेट टू नो सम सोल्यूशन टू योर मेंटल हेल्थ इशू, टू योर फिजिकल हेल्थ इशू, तो कहीं से आपको एडवाइस भी मिल रही है। ये ऑनलाइन सोर्स है, ऑनलाइन। सो या, दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर वन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ क्या और गाइडेंस है, वी हैव द हैप्पीनेस कार्ड। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, इट सेज आई एम अवेयर दैट बींग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। इफ यू आर नॉट हैप्पी, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। इफ यू आर ऑन द राइट, इफ यू आर ऑन द
व्हाट डिड आई इवन सेड? मैं ये कह रही हूँ कि इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ तो आप खुश हो गए, अगर आप रॉन्ग पाथ पर तो आप उदास हो गए. ये अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, खुश हो? स्पिरिट आपसे पूछ रही है कि खुश हो तो आप सही रास्ते पर हो, दुखी हो तो आप सही रास्ते पर नहीं हो. अगर वो डेस्टिनेशन आपको खुशी नहीं दे रही है, वो सही रास्ता नहीं है. आपको डेस्टिनेशन दुख दे रही है, डार्कनेस में दिख रही है अपनी लाइफ इन फ्यूचर, आप रॉन्ग पाथ पर हो. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड इट ऑल्सो गाइड्स यू टू बी हैप्पी. बी हैप्पी, आई नो इट कैन बी वेरी इजी टू से बी हैप्पी, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी. क्योंकि अगर आप हैप्पी नहीं हो, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो फिजिकल हेल्थ खराब होनी शुरू होगी ही होगी. एंड दैट टू, लाइक वेन यू आर अनहैप्पी, वेन यू आर स्ट्रेस्ड, आप एक चीज़ देखोगे, आपके सबसे पहले बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे. क्योंकि बालों को बॉडी जो है ना, वो देती नहीं है, प्रायोरिटी नहीं देती है. वो कहती है दूसरे ऑर्गन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उनको एनर्जी दूंगी जो थोड़ी बहुत है. क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी जो है वो हमारी ओवर थिंकिंग या प्रोकास्टिनेशन में जा सकती है. तो लेट मी गिव दैट एनर्जी टू द यू नो द वाइटल ऑर्गन्स नाउ, नॉट द हेयर. तो अगर हेयर फॉल है, बिकॉज मैनी ऑफ यू कैन गो थ्रू हेयर फॉल हेयर विद दीज कार्ड्स, एंड दैट टू इज बिकॉज ऑफ यू बींग अनहैप्पी. तो अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करो. इट्स नॉट अबाउट स्लीप कि मैं सो नहीं रही हूँ तो फिर मेरे बाल, ऐसा नहीं है. बाल झड़ रहे क्योंकि मैं सो नहीं रही, ऐसा नहीं है. आप खुश नहीं हो इसलिए बाल झड़ रहे, आप खुश नहीं हो इस वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ जो है, आप फिजिकल हेल्थ सफ़र कर रही है. तो अपने आप को खुश करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम हर दूसरे दिन या हर दिन करना चाहिए. एटलीस्ट अगर कोई करियर ठीक नहीं जा रहा तो फिजिकल बॉडी तो ठीक रहे ना, एटलीस्ट ये तो इम्पॉर्टेंट है. करियर तो ओके जैसा है वैसा है, बट फिजिकल बॉडी में तो आपकी आत्मा ने कितने सालों तक रहना है. तो इसको ज़रूर, मेंटल हेल्थ को ज़रूर, सोल फुलफिलमेंट के लिए ज़रूर आप कुछ करो अपनी लाइफ में हर रोज़ या हर दूसरे दिन. ये बहुत ज़रूरी है फॉर यू, पॉइंट नंबर वन. बिकॉज अगेन मेनी ऑफ यू कैन हैव योर सन मून राइजिंग आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट इन द साइन ऑफ कैंसर इन द नक्षत्र ऑफ अश्लेषा, या फिर इन यू कैन हैव योर सन मून राइजिंग आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट असेंडेंट लॉर्ड इन द नक्षत्र इन द साइन ऑफ केप्रिकॉन इन द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा. तो धनिष्ठा के अश्लेषा धनिष्ठा ऑपोजिट नक्षत्र है, दोनों अराउंड यू नो 30 डिग्रीज में होते हैं. सो ये जो है केप्रिकॉन साइन और केप्रिकॉन और कैंसर साइन आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होगा इन फॉर यू पाइल नंबर वन इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट या फिर D9 चार्ट में. तो कैंसर में तो पुनर्वासु पुष्या और अश्लेष है, केप्रिकॉन में उत्तरा अषाढ़ श्रावण और धनिष्ठा है. तो ये नक्षत्र जो है इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे अगेन इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप और इन द D12 और D9 चार्ट. और कौन से एंड इवन साइन ऑफ एक्वेरियस उसमें भी कोई प्लैनेट्स प्लेस होंगे, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है वो हमारे काम करने की एनर्जी होती है, वो हमारे मनी की एनर्जी होती है, हमारे करियर रिलेटेड एनर्जीज होती है. तो केप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों सैटर्न भी रूल करते हैं, और ये दोनों साइंस हमारे करियर और गेन्स फ्रॉम करियर को शो करता है. तो एक्वेरियस में ये नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा बींग स्पिल्ड फ्रॉम द साइन ऑफ केप्रिकॉन, मतलब धनिष्ठा भी आता है एक्वेरियस में. फिर सतविशाख और पूर्वा भद्रपदा इज ऑल्सो इन द साइन ऑफ एक्वेरियस. और योर सैटर्न कैन इवन बी योर आत्मा कारका, या फिर सैटर्न इज योर अमत्य कारका प्लानट, द प्लानट होल्डिंग द सेकेंड हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच रिप्रेजेंट्स द करियर. या फिर सैटर्न इज प्लेस्ड विद योर सन मून, या फिर इज एस्पेक्टिंग योर सन और मून, और इज एस्पेक्टिंग और कंजंक्ट विद मर्क्यूरी. क्योंकि मर्क्यूरी हमारे स्किल्स ऑफ हैंड्स है, वो भी हमारे कहीं ना कहीं हाथ के काम को या फिर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल को, हमारे कहीं ना कहीं एफर्ट्स को शो करता है. तो सैटर्न इस प्लैनेट को भी एस्पेक्ट कर सकते हैं इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D12 चार्ट में.
Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number one. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know in the comment section below. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number one. Tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो पाइल नंबर टू. सो दिस इज योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल क्योंकि आपका जो बर्थ डेट है वो एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लीब्रा सीजन में से किसी एक सीजन में आता है. आपका बर्थडे इन सीजन्स में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मेन टैरो से कि आपके लिए क्या चीज़ें हो रही है जुलाई के मंथ में 2023. कैसा रहने वाला है पाइल नंबर टू का जुलाई का मंथ. व्हाट इज हैपनिंग फॉर देम. पाइल नंबर टू. ऑलराइट, वी हैव द हैंग्ड वन. ओके, जो रुकी हुई चीजें थी सडनली फॉरवर्ड मूव करने लगेगी आपके लिए. एंड इनफैक्ट आपका पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ चेंज हो रहा है. एंड यू आर गोना फाइंड द पॉजिटिव थिंग्स इवन इन अ नेगेटिव सिचुएशन. यू आर बिकमिंग मोर फ्लेक्सिबल एज वेल. मतलब बॉडीली भी आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो और हर सिचुएशन में आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो. हर सिचुएशन में आप मोल्ड हो सकते हो. दैट्स व्हाई यू आर बिकमिंग अ रियल गोल्ड. तो हर सिचुएशन में अगेन यू कैन एडजस्ट. यू आर थिंकिंग कि मैं नहीं एडजस्ट हो सकती, अगर ये चीज़ होगी तो आई विल नॉट बी एबल टू बियर दिस, मैं ये नहीं कर पाऊंगी. और वैसे सिचुएशन फिर हो जाती है और वो होनी भी ज़रूरी है क्योंकि उस सिचुएशन से आपकी कोई रुकी हुई चीज़ जो थी वो फॉरवर्ड मूव करने लगेगी. तो आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उसमें भी कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लोगे और उसमें उस सिचुएशन में भी मोल्ड हो जाओगे. दैट कैन बी सीन. बट कोई आप आउट ऑफ द बॉक्स और क्या कहते हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है और आप उस जो मुश्किल काम है उसको अपने कंफर्ट जोन में ले आओगे और वो आपके लिए इजी हो जाएगा, वो आपको इजी लगने लगेगा फिर. देन वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. आई मीन ये हैंड वन के साथ इन कंजंक्शन है ये स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि यही शो कर रहा है दैट यू आर गोना फाइंड वन ऑफ योर न्यू स्किल. यू आर अनलॉकिंग योर स्किल. जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो जैसे जैसे हम आगे लेवल्स पर जाते जाते हैं तो वहाँ पर नई चीज़ें अनलॉक होती है उस कैरेक्टर के बारे में, उस गेम के बारे में. तो आप भी एज द टाइम प्रोग्रेसेस इस जुलाई के मंथ में कोई चीज़ अपनी लाइफ में अनलॉक करने वाले हो. कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता भी नहीं था कि आपके पास है ये स्किल. आपका कोई ऐसा संस्कार अनलॉक होने वाला है जो आपको पता भी नहीं था, पर क्योंकि अब वैसी सिचुएशन आएगी जुलाई के मंथ में जो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स होगी, आउट ऑफ द बॉक्स कोई सिचुएशन होगी आपके लिए, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन वो कोई सिचुएशन होगी आपके लिए. एंड यू आर गोना बी लाइक आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस. बट जब आप वो चीज़ करते हो, देखो करना ज़रूर, डोंट बी अफ्रेड. ओके, करना वो चीज़ ज़रूर. एंड यू विल नोटिस कि अरे लाइक इट वॉज सो ईजी. तो आप कोई अपनी नई स्ट्रेंथ, कोई नई स्किल जो है अनलॉक कर रहे हो, आपको पता लग रही है अपने बारे में कोई नई बात. सो लाइक इट्स ब्यूटिफुल. इट्स यू डोंट इवन नो, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू. और ये सरप्राइज खुद से ही आ रहा है आपको. देन वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स. नाइन ऑफ वॉन्ड्स हेयर रिप्रेजेंट्स पावर ऑफ रेजिलियंस. नाइन ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि हमने अपना 100% एफर्ट डालना है. आपने अपना 100% एफर्ट डालना है. लिटरली ये कार्ड जो है इंस्टाग्राम पेज जैसा है. इफ़ यू कैन नोटिस, जैसे इंस्टाग्राम पेज होता है ना वैसे ही है ये. तो इफ़ यू वर इन टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग एंड यू आर लाइक कि कब मेरा इंस्टाग्राम चलेगा, अच्छा मेरा चैनल कब चलेगा, तो जुलाई के मंथ में आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स या बहुत सारे फॉलोवर्स आ सकते हैं. लिटरली ये एक डायरेक्ट कार्ड है आपके लिए पाइल नंबर टू कि आपके बहुत सारे फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ सकते हैं. तो आप जो कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हो ना, करते रहो. Whatever you are doing on social media, do that. वो अच्छी बात है. आप कुछ ना कुछ उसको लोग देखना पसंद करेंगे. Many of you can be into candle business or can think a lot about creating a candle business. Many of you can, you know, buy
कैंडल्स इन द मंथ ऑफ जुलाई समहाउ, कोई कैंडल में इंटरेस्ट आ जाए, आपको फ्रेग्रेंसेज में इंटरेस्ट आ जाए तो आप फ्रेग्रेंस खरीद रहे हो, कैंडल खरीद रहे हो, परफ्यूम खरीद रहे हो, कोई लग्जरी आइटम्स आप खरीद सकते हो जुलाई के मंथ में, ऑनलाइन या ऑफलाइन व्हाटएवर. बट आई डू सी विद द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जो भी आप काम कर रहे हो डू दैट वर्क, कंटिन्यू डूइंग दैट वर्क, क्योंकि वो सक्सेसफुल यहाँ पर होने वाले, क्योंकि जो नंबर नाइन है उसके बाद नंबर टेन आएगा, और जो नंबर टेन है, टेन ऑफ वॉन्ड्स है, वो हमेशा जो है हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, सक्सेस, अबंडेंस को शो करता है. तो व्हाटएवर यू आर डूइंग, कीप ऑन डूइंग दैट. और अगेन यू विल डू समथिंग, कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो आपको मुश्किल लगेगी जुलाई के मंथ में, पर जब आप उसका सामना करते हो तो वो ईजी हो जाएगी आपके लिए, वो आपके कम्फर्ट जोन में ही आ जाएगी वो मुश्किल चीज़. आपको ऐसा लगेगा दैट आई एम गोइंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, बट वैन यू स्टार्ट टू डू दैट वर्क यू नोटिस कह रही है तो मेरे कम्फर्ट जोन के अंदर ही, और उस चीज़ को आप अपने कम्फर्ट जोन में ही ले आओ. यू आर बिकमिंग वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, बॉडी वाइज भी आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वाली कुछ योगा या कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो. But all in all, you are unlocking a strength. All in all, you are unlocking one of your powers you didn't even knew about. यहाँ पर और क्या indication है जुलाई के month के लिए for pile number 2. All right, so we have the 8th house mystery. Again, ये जो चीज़ unlock हो रही है mystery तो है. It's a mystery. And 8th house represents sudden transformation, sudden death and rebirth, changes, and it represents hidden things. Research work as well. तो आप research work में suddenly बहुत अच्छे हो जाओ. आपको अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ रिसर्च कर रहे हो तो आपको कुछ मिलेगा आप जुलाई के मंथ में थ्रू दैट रिसर्च. तो आप एफर्ट करो, एफर्ट करते रहो. कर्म प्रधान दुनिया, कर्मा करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा. ये मत सोचो कि डेस्टिनी में होगा तो आ जाएगा, नहीं, कर्म प्रधान दुनिया. अगर थाली आपके सामने सजी हुई है खाने की और आप सोचते हो कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो मेरे मुंह में खाना आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा. आपको खुद वो टुकड़ा जो है हाथ में उठा के अपने मुंह में डालना पड़ेगा, तभी वो आपके मुंह में आएगा. तो कर्म प्रधान दुनिया, तो एफर्ट आपने ज़रूर करने हैं. नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहे हैं कि डू योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट करते रहो, उसका गुड रिजल्ट आपको जुलाई के मंथ में मिलेगा. और ये जो 8th हाउस रिलेटेड कार्ड है, स्कॉर्पियो रिलेटेड कार्ड है, ये आपके फिजिकल बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं. मतलब आपकी फिजिकल बॉडी सडनली बहुत अच्छी हो जाएगी, सडनली जो आपकी बॉडी में चेंज आना शुरू होगा, पॉजिटिव चेंज, हेल्थ वाइज पॉजिटिव चेंज आना शुरू होगा. And this 8th house also shows that suddenly you get interested into astrology, occult, mysticism, tarot, black magic, white magic. इन चीज़ों का interest. Spirituality में भी interest आ सकता है suddenly. तो 8th house related themes जो होते हैं ना वो play out करेंगे. जैसे again astrology, occult, mysticism, tarot, black magic, white magic, research work, things which are hidden, things which are beneath the surface, things which are in darkness, things which are unknown. इन सभी चीज़ों के बारे में आप जानना शुरू करो जुलाई के मंथ में. इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा. Then we have the Aquarius sign. It says collaborate. Again, like we have the social media card, nine of wands here. तो कुछ collaborations भी आपको जो है वो मिल सकती है. You may collaborate with other influencers or other people. आपका कोई large organization से जो है संबंध बने, उनसे संपर्क हो. तो Aquarius is about large organization, so you become a part of large organization. उनसे कोई संबंध संपर्क में आओ अपने जुलाई के मंथ में, ड्यू टू योर बिजनेस, ड्यू टू योर करियर, ड्यू टू योर सोशल मीडिया. और ये भी शो करता है Aquarius कार्मिक एक्सेस भी है, क्योंकि इसे राहु और सैटर्न रूल करता है, और राहु और सैटर्न भोगाकार का प्लैनेट है, तो इट विल गिव यू भोगा ऑफ पास्ट लाइफ. तो ये गुड चीज़ है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट यू योर पास्ट लाइफ गुड कर्मस यू आर गोना फेस इन द मंथ ऑफ जुलाई. गुड कर्मास करे तो ऑफकोर्स उसका गुड रिजल्ट ही होगा. तो कोई ना कोई गुड रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलेगा इन द जुलाई मंथ ड्यू टू योर पास्ट लाइफ कर्मास. एंड समवन इज गिविंग यू, जैसे ये एक कप है और ये पूरा एक जैसे वाज है, इसमें ज़्यादा पानी होगा, कप में कम पानी भर पाएगा. बट लाइक समवन इज गिविंग यू, फुलफिलिंग योर कप हेयर, सेटिस्फाइंग यू, कुछ सेटिस्फैक्ट्री चीज़ें होगी आपके करियर में, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपको बहुत अंदर से तृप्त करती है, बहुत अंदर से सेटिस्फाई करती है.
तो ऐसी चीजें करियर में यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगेन करियर इसलिए क्योंकि एक्वेरियस इज सेकंड फ्रॉम द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न हमारा वर्क रिलेटेड साइन है, हमारे ऑफिस रिलेटेड साइन है, हमारे एफर्ट रिलेटेड साइन है. तो गेन फ्रॉम आर एफर्ट, गेन फ्रॉम आर करियर, क्या मनी या क्या चीज़ हमें ऑफिस से मिल रही है, इट इज सीन फ्रॉम द सेकेंड हाउस ऑलवेज. तो टेंथ हाउस या साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न से सेकेंड हाउस या सेकेंड जो साइन होता है वो एक्वेरियस होता है, वो इलेवेंथ हाउस होता है. तो वो गेन यहाँ करियर में होता हुआ नजर आ रहा है. अगेन वी सी सैटर्न हियर. सैटर्न इज ऑलरेडी रेट्रोग्रेड. इट गॉट रेट्रोग्रेड इन द ऑन 17th ऑफ जून नून टाइम पर इंडिया टाइम अकॉर्डिंग. तो सैटर्न रेट्रोग्रेड शोज कि हमारे जो एफर्ट्स हैं स्पेशली करियर में वो इम्प्रूव होंगे, क्योंकि जो कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो अपने पिछले साइन जैसा इफेक्ट देना शुरू करता है. तो सैटर्न जो है साइन ऑफ एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड हो रहा है तो कैप्रिकॉर्न जैसा इफेक्ट देना शुरू करेगा. तो कैप्रिकॉर्न वर्क एफर्ट करियर उसको शो करता है. तो आपके करियर जो है वो आपका रिफाइन होगा. अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली जो है थॉट्स आएंगे. अगेन ऑल द ग्रहज इम्पैक्ट्स आर थॉट प्रोसेस, अगेन आर एक्शन इज द रिएक्शन ऑफ आर थॉट. तो ये सारे ग्रहज हमारे मन पर, हमारे थॉट सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं. तो आप कहीं ना कहीं ये सोचना शुरू करोगे कि कैसे मैं अपना करियर रिफाइन करूं, क्या मैं ऐसी एजुकेशन लूं, क्या मैं ऐसा सीखूं, कौन सा ऐसा कोर्स करूं जिससे मेरा करियर जो है इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे मेरे खुद के एफर्ट्स इम्प्रूव हो जाएंगे करियर के रिगार्डिंग. तो वैसे ख्याल जो है आपको ज़्यादा आने शुरू होंगे. इस वजह से आपका करियर इम्प्रूव करेगा. इस वजह से जो है अगेन यू कैन इवन रिसर्च अबाउट कि क्या कोर्स मुझे करना चाहिए, क्योंकि 8th हाउस अगेन रिसर्च को शो करता है. तो अगेन यू आर इम्प्रूविंग योर एफर्ट्स टूवर्ड्स योर करियर नाउ विद दिस सैटर्न रेट्रोग्रेड. यहाँ पर कुछ और भी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं अबाउट पाइल नंबर 2. जुलाई का मंथ उनका कैसा रहेगा, पाइल नंबर 2 का जुलाई का मंथ 2023. और राइट, वी हैव द स्टिलनेस कार्ड. तो स्टिलनेस कार्ड जो है मन की स्थिरता को शो करता है, फोकस को शो करता है, एकाग्रता की शक्ति को शो करता है. तो आपका जो मन है वो इधर उधर भाग नहीं रहा है, आपका मन काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहा है. और ये जो श्वान है ये प्योरिटी को शो करती है. तो जो अगेन स्टिलनेस भी प्योरिटी है, प्योरिटी यानी पवित्रता. अपवित्रता होती है गंदगी, यानी कि कूड़ा कचरा मन में अगर भरा हो, अगर प्रोकेस्टिनेशन भी है, आपके नेगेटिव थॉट्स नहीं है पाइल नंबर 2, पर आपके वेस्ट थॉट्स चलते हैं ना, वो भी अपवित्रता है. तो वो अपवित्रता को ख़त्म करना है. अब जो है वेस्ट का खाता ख़त्म करना है और पॉजिटिव का खाता बढ़ाना है. पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना ये ज़रूरी है और वेस्ट को ख़त्म करना. नेगेटिव तो हम ऑलरेडी वैसे ही नहीं सोचते हैं, पर हमने वेस्ट थॉट्स भी नहीं क्रिएट करने, क्योंकि वो अपवित्रता है. जब वेस्ट थॉट्स नहीं आते ना, अननेसेसरी थॉट्स नहीं क्रिएट होते ना, तो ऑटोमेटिकली स्थिरता स्टिलनेस फोकस आना शुरू होता है. तो ये आपके लिए गाइडेंस भी. और ये यहाँ पर ये भी शो कर रहा है समहाउ इन द मंथ ऑफ जुलाई आपका मन शांत ज़्यादा रहेगा, आपका मन ज़्यादा फोकस कर पाएगा, क्योंकि अगेन जो प्लैनेटरी दशाज आप रन कर रहे हो, अगेन सैटर्न बीइंग रेट्रोग्रेड एज वेल, जो भी ट्रांजिट कर रहे हैं प्लैनेट्स आपके बर्थ चार्ट में, वो कुछ ऐसा समय आपके लिए लेकर आ रहे हैं जहाँ पर आपका मन शांत रहेगा, आप फोकस कर पाओगे चीज़ों पर, आप उसके अंदर डिटेल ओरिएंटेड, अपने वर्क के अंदर डिटेल ओरिएंटेड हो जाओगे, आप अपने चीज़ों को और आप अपने करियर को, अपने करियर रिगार्डिंग एफर्ट्स को ज़्यादा रिफाइन कर पाओगे. तो ऐसा समय है जहाँ मन ज़्यादा शांत रहता है, ज़्यादा फोकस्ड रहता है, और होना भी चाहिए, ये ज़रूरी है. सिर्फ जुलाई के मंथ के लिए नहीं, हमेशा लाइफ में. तो इसको कहीं ना कहीं अपनी हैबिट भी बनाओ कि आप वेस्ट थॉट्स ना क्रिएट करो, अननेसेसरी थॉट्स ना क्रिएट करो, और क्रिएट करना तो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, नेगेटिव तो हम वैसे ही नहीं सोचते. तो यहाँ पर जो है आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, स्पेसिफिक अब हम इन्फॉर्मेशन लेंगे अबाउट योर करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, फिर फाइनेंसेस के लिए कार्ड निकालेंगे, पुल आउट करेंगे, और फिर पर्सनल लाइफ और आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. तो यहाँ पर सबसे पहले करियर रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर पाइल नंबर 2. ऑल राइट, सो वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. किंग ऑफ पेंटिकल्स शोज वेल्थ, और किंग ऑफ पेंटिकल्स सीट ऑफ पावर भी शो करती है. तो इफ इदेयर कैन बी अ प्रमोशन हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ जुलाई पाइल नंबर 2. और करियर जो है, बिजनेस जो है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है. आपके पास न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं जो आप
कि बिजनेस में या आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, समहाउ दे वांट योर हेल्प इन देयर बिजनेस, तो कहीं ना कहीं आपका ऐसे लोगों से कनेक्शन बन रहा है जो वेल्दी हैं, जिनका खुद का करियर बहुत अच्छा चलता है. संघ का रंग ज़रूर आता है, तो उनका संघ अच्छा रंग जो है आप पर चढ़ रहा है, आपके करियर पर चढ़ रहा है, तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स. क्योंकि स्पेशली जो पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, वो मनी की, रिसोर्सेज की एनर्जी, और किंग ऑफ पेंटिकल्स शो करता है कि डिटर्मिनेशन के साथ काम करना, जो ठान लिया है उसको करके दिखाना. तो अगेन, जो भी आप करियर में काम कर रहे हो उसको करते रहो. रीसेंट में जो अभी रीडिंग्स हम कर रहे हैं ना, पिछले 2-3 रीडिंग से बार बार एक दो पाइल्स के लिए ये कॉमन मैसेज आ रहा है कि आप जो काम कर रहे हो आप करते रहो, और वही अब भी आ रहा है. तो बड़ी एक स्ट्रांग इंडिकेशन है कि आप कहीं ना कहीं, ऐसा हो सकता है थक रहे हो कि मुझे ये नहीं करना, मेरे को अब बहुत हो गया है, आई एम डन विद दिस वर्क. Maybe you are frustrated about it, but the spirit is saying keep on doing what you are doing, keep on being on the path you are right now at. So आप वो काम करते रहो, ये strong guidance है, उसमें आपको success ज़रूर 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 मिलेगी. तो इवन जो आपका education है वो भी यहाँ अच्छा जाता हुआ नज़र आ रहा है. आपकी teachers या जो आपके अथॉरिटीज़ है लाइफ में, उनके साथ आपकी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है, उनके साथ कोई फाइट आर्ग्यूमेंट नहीं नज़र आ रहा है, कोई जॉब में वर्क प्लेस पर कोई फाइट आर्ग्यूमेंट नज़र नहीं आ रहा है. इनफैक्ट अच्छे जो है रिलेशन, वर्क रिलेशनशिप, कलीग टू कलीग रिलेशनशिप, क्लासमेट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नज़र आ रहा है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नज़र आ रहा है. द गाइडेंस इज जस्ट यू नो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. अपनी कमिटमेंट से वर्क करो, अपने ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस से वर्क करो, अपना पूरा 100% डालो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. देन अबाउट योर फाइनेंसेस, वी हैव द एम्परर. यहाँ पर फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं. आप जितना काम कर रहे हो आपको उतना उसका रिजल्ट, उतना उसका मनी मिलेगा. आप उस मनी को इंजॉय भी कर पाओगे. कई बार हम पैसों को पचा नहीं पाते, यानी कि मनी आया और उसको फिर हमने जो है कहीं पर खर्च कर दिया. वेयर इज विद दिस एम्परर कार्ड, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी समवेयर, यू आर ऑल्सो लिविंग अ वेरी गुड लाइफ. आप अपने घर खर्च के लिए, अपने ऊपर भी, यू नो, अपनी लग्जरीज के ऊपर भी, अपने कपड़ों के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर भी मनी जो है खर्च कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम कहीं गुड जगह, कुछ अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर रहे हो और सेव भी करते हुए नजर आ रहे हो. तो आप अच्छे से अपने मनी को डाइजेस्ट कर रहे हो, ये यहाँ पर शो हो रहा है. एंड जो जितना आपका एफर्ट उतना आपका मनी यहाँ पर नजर आ रहा है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स इट हैज़ बीन कि मैंने बहुत एफर्ट करे, बहुत हार्डवर्क करे, उसके कंपैरिजन में जो मेरे पास रिजल्ट आया है वो बहुत कम है, 50% या 40% रिजल्ट है, बट जुलाई के मंथ में ये रिजल्ट जो है, अगर आपने 100% एफर्ट करा तो आपको 100% उसका रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है, आपको उतना उसका मनी मिल रहा है. दैट कैन बी सीन. देन अबाउट योर पर्सनल लाइफ, वी हैव द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज के गाइडेंस है कि अपनी खुशी के बारे में तो सोचो, पर दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ जो है ज़रूर करना चाहिए. क्योंकि जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं हम ऑटोमेटिकली खुश रहते हैं. अपने आप को इनफैक्ट थोड़ा सा बिजी रखो वर्क में. खाली दिमाग शैतान का घर. और एक जो पर्सन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है ना अपनी लाइफ में, उसके पास ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं होता, हेंस वो कई सारी मेंटल इलनेसेस से बचा रहता है. एक वेला दिमाग ही होता है जो टेंशन स्ट्रेस में आ जाता है या जो प्रोकास्टिनेट करता है. इवन लाइक यू कैन से दैट आई एम वेरी बिजी पर्सन, बट व्हाई आई प्रोकास्टिनेट अ लॉट और व्हाई आई डील विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज आप यहाँ से तो बिजी हो, मतलब यहाँ से आप हाथ से कोई काम कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, पर आपका जो मन है ना उस काम में नहीं लगा हुआ, आपका मन कहीं और है. आप प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं हो. आप काम कर रहे हो तो आपका मन काम में नहीं है, आपका मन किधर और भटक रहा है. मन को भी बिजी रखना जो है ज़रूरी है. मान लो आप बर्तन धो रहे हो घर पे, आप कपड़े धो रहे हो, हाथ का काम है, दिमाग इतना नहीं लग रहा, मन ठीक है, मन अपनी कहीं और अपनी धुन में मगन है, वो ध्यान भी नहीं दे रहा आप हाथों से काम कर रहे हो, क्योंकि मसल मेमोरी होती है. तो उस समय पर आपको अपने मन से, अगेन हमें वरदान है कर्म योगी का, यानी कर्म करते हुए, काम करते हुए हम योग लगा सकते हैं. तो आप काम करते हुए मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन है पॉजिटिव थिंकिंग. मेडिटेशन पॉजिटिव थिंकिंग है.
और अपने आप को अशरीरीपन की स्थिति में फील करो कि मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा के ये गुण और शक्तियाँ हैं, उसको याद करो और भगवान को याद करो, पॉइंट ऑफ लाइट को याद करो। तो अपने मन को बिजी रखो, आप यहाँ से तो बिजी हो, काम हर कोई कर रहा है, पर आप यहाँ से भी उस काम में या तो इन्वॉल्व रहो, पर अगर आप इन्वॉल्व नहीं रह सकते हो तो योग करो। योग यानी याद करो भगवान को, एक को याद करो। कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, अपने जहाँ पर उनका मंदिर वाला एरिया है या जहाँ पर उनका मेडिटेशन का स्पॉट है, जो भी ये स्पिरिचुअल जगह है, वहाँ पर वो बहुत सारे बहुत सारे हनुमान जी भी रखे हुए हैं, श्री कृष्ण राधे श्री कृष्ण भी रखे हुए हैं, राम सीता जी भी रखे हुए हैं, साईं बाबा जी भी रखे हुए हैं। वो होती है व्यभिचारी याद, यानी ये आप इतने सारे शक्तियों को याद करो, इतने सारे जो पावरफुल सोल्स जो होके गई है उनको याद कर रहे हो, पर ये व्यभिचारी याद है, इसमें मन भटकेगा। एक रखो ना, जो अगेन जो आशिक है, आशिक माशूक जो है, अब जो एक को याद करते हैं ना, वो 100 को थोड़ी ना याद करते हैं। जब आत्मा का पेरेंट एक है, भगवान एक है, तो उस एक को याद करना चाहिए, कभी इस भगवान की तरफ कभी इस भगवान की तरफ। यानी मन कितना भटक रहा है यहाँ पर ही, ये रियलाइज नहीं है कि मेरा पिता कौन है, मेरा पेरेंट कौन है, मेरा क्रिएटर कौन है, इतनी सारी जगह भटक रहे हैं। वो जो भटकन है ना, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमेशा अव्यभिचारी याद, एक को याद करना जरूरी है, सिर्फ एक को। कहते हैं ना, एक भगवान दूसरा ना कोई, तो एक को याद करना जरूरी है। इतने सारों को याद करने में कोई भी रिजल्ट नहीं है, नथिंग। वो एक तरह से ये लगा लो कि एक ढोंगी याद है और वो हमेशा नहीं टिक सकती। हमें एक ही चीज याद रहती है, हमारा माइंड जो है एक चीज पर फोकस करने के लिए ट्रेंड है, दो चार चीजों पर नहीं। तो उसको एक पर फोकस करो हमेशा। जैसे शेर का बच्चा शेर, इंसान का बच्चा इंसान, उसी तरह अगर आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है तो उसका पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो कोई शरीरधारी नहीं है। तो एक को याद करना, सिर्फ एक पर फोकस करना, और कर्म योगी का वरदान, यानी कर्म करते हुए कोई जो कर्म करते हुए भी योग लगाओ। आंखें बंद करके 8 घंटे थोड़ी ना बैठ सकते हैं, काम काज भी है, परिवार है, घर गृहस्थ में रहते हैं, उनको भी देखना है। तो मन से याद करना जरूरी है। और ये जो 5 of Swords है, दूसरों के लिए कुछ करना, अपने परिवार के लिए कुछ करना, या फिर कोई और, अगेन चैरिटी बिगिंस एट होम, तो अपने घर वालों के लिए कुछ करना, ये जरूरी है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। जब दूसरों के लिए कुछ करते हो, अगेन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि वो भी आपके लिए करें। नहीं, भगवान सब कुछ देख रहा है, वो दे देगा आपको समय पर, उस पर्सन के थ्रू नहीं तो किसी और के थ्रू। भगवान जो है वो पिता है, और वो करण करावन हार है, वो कराते हैं दूसरों से। तो ये मत सोचो कि मैंने उसके लिए करा, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा, कहीं और से आपको मदद आ जाएगी, डोंट वरी। तो यहाँ पर दूसरों के लिए कुछ करना है ज़रूर, इससे आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। और अपने आपके माइंड को बिजी रखो, काम तो हाथों से कर रहे हो पर माइंड को बिजी रखो, अपने मन को बिजी रखो, उसे वेला मत रहने दो, ये गड़बड़ है। फिर वी हैव द 8 of Swords हेयर, विच रिप्रेजेंट्स योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये जो 8 of Swords है, ये शो कर रहा है कहीं ना कहीं माइंड में नेगेटिव थिंकिंग है। स्पेशली आप में से कई लोग अपने जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है ना, उसको लेके काफ़ी स्ट्रेस्ड हो सकते हो कि क्या मेरा रिजल्ट मेरी फेवर में होगा, क्या मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊँगा, या पिछले साल जैसा ही मेरा हाल हो जाएगा। तो लाइक यू आर वेरी नर्वस अबाउट द रिज़ल्ट, जो कि आपके ऑफकोर्स एजुकेशन में जो आपने एफर्ट करे है उसका रिजल्ट आपके पास आने वाला है। फिर अगर आप जॉब बिजनेस में हो तो अब आपको उसमें कोई रिजल्ट मिल सकता है, एंड यू आर काइंड ऑफ थिंकिंग अ लॉट अबाउट दैट। यहाँ पर गाइडेंस है कि डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट, डोंट थिंक नेगेटिव, क्योंकि हमने किसी ने भी फ्यूचर नेकेड आई से नहीं देखे, तो लेट्स थिंक पॉजिटिव। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचते हो ना, तो वो नेगेटिव चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। सो थिंक पॉजिटिव, अपनी बुद्धि को प्योर रखो, पवित्र रखो। अपवित्रता जो है वो नेगेटिव थॉट्स की भी होती है, तो अपने मन को पवित्र रखो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, नेगेटिव या वेस्ट थॉट्स मत क्रिएट करो। और 8 of Wands बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहा है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पर थोड़ा और ध्यान दो, उसके लिए भी कुछ करो, मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ करो। बट या 8 of Swords ये शो कर रहे हैं
कि कोई गुड रिजल्ट आपके पास जो है ज़रूर आ सकता है, बिकॉज वी हैव द टू ऑफ कप्स कार्ड इन द एंड ऑफ द डेक. टू ऑफ कप्स, ओ माई गुडनेस, टू ऑफ कप्स शोज के जो आपने जितना एफर्ट करा आपको वैसा रिजल्ट मिल रहा है. टू ऑफ कप्स होता है एक दो लोग जो हैं एक दूसरे को ऐसे कप दे रहे हैं, जो दोनों के कप फुल हैं, दोनों के कप फुल हैं, इक्वल है इनफैक्ट, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. तो यहाँ पर टू ऑफ कप्स इन कंजंक्शन विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स यही शो करता है, या ये दोनों इकट्ठे से कार्ड्स हैं तो यही शो करते हैं कि जितना आपने एफर्ट करा है उतना आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है. तो टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, जितना आपने एफर्ट करा है उतना आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो अगर आपने 50-60% एफर्ट करा तो 50-60% रिजल्ट, अगर आपने 100% एफर्ट करा तो 100% रिजल्ट. तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. और कहीं ना कहीं देर इज दिस नेगेटिविटी इन योर हेड, दैट्स वाई ये स्टिलनेस का कार्ड भी आया हुआ है, कि क्योंकि आपको ये रियलाइजेशन है कि मेरे अंदर वो नेगेटिविटी है तो मुझे इसको ठीक करना है. तो आपका कहीं ना कहीं फोकस जा रहा है अपनी एकाग्रता पर, अपनी फोकस करने की पावर पर. इस वजह से स्टिलनेस का कार्ड है, इस वजह से आपका माइंड शांत है, क्योंकि आपने एफर्ट करा है इसके लिए, एफर्ट करा कि मैं यू नो फोकस कर पाऊँ, स्टिलनेस हो मेरे अंदर. आपने एफर्ट करा, आपने पहली बात तो रिकोगनाइज करी अपनी प्रॉब्लम, गलती मानी है कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, बार बार मैं नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ. तो उसको मानना, उस गलती को मानना ही पहला स्टेप होता है एक पॉजिटिविटी या अच्छे रास्ते की तरफ, सॉल्यूशन वाले रास्ते की तरफ. दैट्स वाई स्टिलनेस का कार्ड है, तभी माइंड शांत रहेगा, क्योंकि आप एफर्ट करोगे कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स जैसे ही आए तो आप जल्दी से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दो और वो स्टिलनेस अपने अंदर लेकर आना शुरू करो. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. एंड अगेन जो एट्थ हाउस है वो डीप साइकोलॉजिकल इशूज़ को शो करता है, डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशूज़ को शो करता है. तो इन सब चीज़ों को भी आप, ये जो डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशू से जो बार 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 डील करते हो, अब आप इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते होगे जुलाई के मंथ में. इस वजह से कोई योगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करना शुरू कर सकते हो जुलाई के मंथ में. अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आप एफर्ट्स यहाँ करते हो नजर आ रहे हो, और वो एफर्ट्स जो है वो अच्छे एफर्ट्स हैं. इस वजह से आपको रिजल्ट भी साथ के साथ अपने अंदर दिखना शुरू होगा, कि आपका माइंड स्टिल रहेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, शांत रहेगा, इधर उधर ज़्यादा भटकेगा नहीं. और अगर भटकता है तो आप उसे ईजिली कंट्रोल कर लेते हो अपनी कंट्रोलिंग पावर से. सो येस, दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर टू. सो वी हैव द पेशेंस कार्ड. आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर. तो पेशेंस रखो, जुलाई का मंथ बहुत अच्छा है. इस मंथ में जो है, जो आप इतने टाइम से एफर्ट डाल रहे थे, उसका अच्छा रिजल्ट आने वाला है. तो बी पेशेंट. ऑल राइट, यूज पावर ऑफ पेशेंस. सो ये गाइडेंस है. अगेन एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर देखें तो साइन ऑफ स्कॉर्पियो, एट्थ हाउस में प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं. सन मून राइजिंग आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट असेंडेंट लॉर्ड कैन बी इन द साइन इन द एट्थ हाउस, या फिर इन द एट्थ साइन स्कॉर्पियो. इट यू कैन हैव अ स्कॉर्पियो राइजिंग, योर मून कैन बी इन स्कॉर्पियो. तो ये प्लेसमेंट्स जो हैं होंगी स्कॉर्पियो साइन D1 या D9 या फिर D12 चार्ट में, मतलब स्कॉर्पियो साइन में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, असेंडेंट हो सकता है स्कॉर्पियो में. एंड और स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र आता है, तो इन नक्षत्रों में वो प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. इवन साइन ऑफ टॉरस विल बी देयर, क्योंकि टॉरस स्कॉर्पियो से ऑपोजिट साइन है. तो टॉरस में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये नक्षत्र, इन नक्षत्रों में भी कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. टॉरस राइजिंग हो सकता है, असेंडेंट लॉर्ड टॉरस में हो सकता है, अगेन सन मून राइजिंग आत्मा कार्य का टॉरस में होगा. और आई विल ऑल्सो से एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस का स्पेशली सतभिशाख नक्षत्र, राहु रूल्ड नक्षत्र जो है आर्द्रा, स्वाति, सतभिशाख, ये जेमिनी, लीब्रा और एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड होते हैं. तो इन साइंस या इन नक्षत्र, राहु रूल नक्षत्र में जो है आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D9 या D12 चार्ट में. इवन पूर्वा भद्रपदा नक्षत्र कैन बी देयर. पूर्व भद्रपदा जो है एक्वेरियस और रेवित, एक्वेरियस और पाइसी साइन में होता है, तो पूर्व भद्रपदा में भी कोई जो है प्लैनेट्स प्लेस हो सकते हैं, बिकॉज वी हैव द लायन एज वेल. पूर्व भद्रपदा इज अ लायन. सो ये एक ये भी गाइडेंस है पूर्व भद्रपदा लोगों के लिए, कि कभी भी टूटी हुई कुर्सी पर
हिलती डुलती कुर्सी पर, वॉबली कुर्सी पर कभी नहीं बैठना, ऑलवेज सिट ऑन अ स्टडी चेयर, तो आपकी लाइफ कंफर्टेबल और अच्छी रहेगी. पर अगर आप वॉबली चेयर पर बैठते हो तो आपकी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल रहेगी. और वो जो पोटेंट एनर्जी है पूर्व भद्रपदा की, जो वाइल्ड एनर्जी है पूर्व भद्रपदा की, वो संभालिए नहीं संभलेगी. सिट ऑन अ स्टडी चेयर, चेयर इज अ सीट ऑफ पावर. मतलब यू डोंट नीड टू सिट ऑन अ चेयर जिसकी हाइट आपके सिर से ऊपर है, बट एक स्टडी चेयर पर भी बैठना जो है वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए पाइल टू, स्पेशली फॉर पूर्व भद्रपदा पीपल. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर टू. डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट योर रीडिंग, हाउ इट रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली, लेट मी नो. And also in the comment section, write angel blessings there. And do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading. Pile number 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because aapka jo date of birth hai, jo aapka birthday hai, wo Virgo, Scorpio, Capricorn aur Aquarius season mein kisi ek season mein aata hai. So let's get started with your reading now. तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेन टैरो से कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे जुलाई का मंथ जानने के लिए कि वो आपका कैसा रहने वाला है. व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 3 इन द मंथ ऑफ जुलाई, व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल नंबर 3 इन द मंथ ऑफ जुलाई. ओके, we have the nine of pentacles. Nine of pentacles, such again a positive card, because nine of pentacles shows independent independence, being independent in almost every aspect of life. It shows ki bharpoorta, aap apne se bahut khush ho, aap apne se bahut satisfied ho, aapko apne andar zyada koi kami kamzori nahi nazar aati. जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ आप ऑलरेडी इम्प्रूव कर चुके हो, वहाँ आप ऑलरेडी एफर्ट डाल के इम्प्रूव अपने आप को कर चुके हो. जहाँ पर भी आपको कमी कमजोरी लगती कि काश ये चीज़ मेरे अंदर होती, तो वो जो चीज़ें वो आप अपने अंदर डेवलप कर चुके हो. एंड यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर एफर्ट, यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद योर लाइफ. आपको ये नहीं है कि काश वो मेरे पास होता, नहीं, वो ऑलरेडी आपके पास है. तो एक भरपूरता, एक अबंडेंस आप अंदर ही अंदर अपने महसूस करोगे. एंड ऑल्सो आप स्प्लर्ज कर सकते हो. स्प्लर्ज यानी आप मॉल जाते हो, आप चीज़ें देखते हो, एंड यू आर लाइक आई शुड बाय दीज थिंग्स, तो यू बाय दोज थिंग्स. तो आपकी कोई ऐसी मटेरियलिस्टिक इच्छाएँ जो है वो भी यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है जुलाई के मंथ में. अगेन वो इच्छाएं कुछ भी हो सकते हैं, इट कैन बी ब्रांडेड क्लोथ्स, इट कैन बी फाइन वाइन, फाइन डाइनिंग, इट कैन बी एनीथिंग, यू नो, बट यू विल बी एबल टू बाय इट, यू विल बी एबल टू बाय इट. स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट सीन हो जाएगा. स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर विद द नाइन ऑफ पेंटिकल ये इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको सुकून मिलेगा, आपको ऐसा फील होगा कि यस, मैं अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं हूँ, मैं उनके लिए जो हूँ, आई एम डूइंग वेल इन माई एजुकेशन, दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद मी. तो आपको ऐसा फील होगा, आपको ऐसा फील होगा. ऑल दो यू शुड नॉट फील कि यू आर अ बर्डन ऑन योर पेरेंट्स, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू फील. क्योंकि पहली बात तो आपका पैदा होना ही बहुत, यू नो, बड़ी बात है उनके, लाइक दे गेव बर्थ टू यू, तो यही बहुत बड़ी बात है. पहले तो यही एक अपने आप में अकम्प्लिशमेंट है. तो बट या, लाइक दिस इज़ अ नेगेटिव माइंडसेट कि आई हैव टू मेक माय पेरेंट्स हैप्पी. दिस इज़ अ नेगेटिव माइंडसेट. ये माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को सभी को खुश करना है दुनिया में. क्योंकि मेरा, अगेन, ये रियलाइजेशन हमें अभी है, पहले नहीं थी, कुछ 100 सालों से रियलाइजेशन आई है, रियलाइजेशन कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरा जो अर्थ है, अर्थ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी आत्माएं हैं, वो सारा मेरा परिवार है, विश्व मेरा परिवार है. सिर्फ मेरे माँ बाप मेरा परिवार नहीं है, मेरे भाई बहन मेरा परिवार नहीं, पूरा पर पूरा विश्व मेरा परिवार है. तो मुझे पूरे विश्व के लिए कुछ करना है, पूरे विश्व के लिए. स्पेशली द पीपल हुज फोर्थ लॉर्ड इज इन द नाइन्थ,
दे विल बी द पीपल जो दूसरे लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे और धर्म के लिए कुछ करके जाएंगे, रिलीजन स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ करके जाएंगे और सोसाइटी के लिए कुछ करके जाएंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस इज ऑफ सोसाइटी, नाइन्थ हाउस इज ऑफ इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस करना सोसाइटी को बट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि जो फोर्थ लॉर्ड है वो नाइन्थ हाउस में जा रहा है, जो केंद्र लॉर्ड है वो त्रिकोण में जा रहा है, तो इट ऑल्सो फॉर्म्स अ राजयोग, मतलब उस पर्सन को सीट ऑफ पावर भी मिलेगा. बट येस विद लाइक विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स यू विल फील लाइक दैट येस आई एम मेकिंग माई पेरेंट्स प्राउड, I'm happy with my education, the things which are doing in my education. My parents are satisfied with me. तो आपको ऐसा फील होगा अगर आप लोग एजुकेशन में हो तो. और अगर आप खुद अर्न करते हो तो यू कैन स्प्लर्ज, यू कैन बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको शायद ज़रूरत भी नहीं है, बट क्योंकि आपने सोचा था पहले कि जब मैं अर्न करने लगूंगी तो ये सारी चीज़ें मैं खरीदूंगी, तो वो कई सारी चीज़ें आप खरीद रहे हो, नॉट ऑल ऑफ देम बट कई सारी चीज़ें जो आपने सोची थी ना कि मैंने ये चीज़ें खरीदनी है, तो वो आप खरीदोगे जुलाई के मंथ में. एंड समथिंग मोर, वी हैव द थ्री ऑफ कप्स अगेन शोज सेलिब्रेशन, इट शोज रीयूनियंस, इट शोज कि अपने फ्रेंड्स के साथ, नॉट लाइक फैमिली भी हो सकता है बट मेनली फ्रेंड्स के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ कोई आप पार्टी अटेंड कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स का कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है तो उनके साथ हो, परिवार में भी कोई सेलिब्रेशन हो सकता है तो उस सेलिब्रेशन, कोई ना कोई सेलिब्रेशन को आप अटेंड कर रहे हो जुलाई के मंथ में, कोई सेलिब्रेशन तो है जहाँ पर आप अपने हम उम्र के साथ में भी अपने कजन्स या अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हो. देन वी एंड इट कैन इवन बी यू नो यू गोइंग टू ए कॉफी डेट और यू गोइंग टू हैव lunch, you going to lunch with your friends, with your cousins, that can even happen. Then we have the seven of pentacles. Seven of pentacles में आप देख रहे हो piggy bank है, right? Seven of pentacles जो है कहीं ना कहीं कोई piggy bank तोड़ा है और कुछ जो पैसे चाहिए थे वो ले लिए हैं और जो नहीं चाहिए थे उसको एक नए piggy bank में डाल दिया है. तो ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ पैसे खर्च कर रहे हो पर आप कुछ सेव भी कर रहे हो. एक बैलेंस तो नहीं कहूँगी मैं पर जो आपके पास मनी आ रहा है आप आई फील कि 60% या 75 या फिर 65% 60 या 65% आप खर्च कर रहे हो अपने अपने ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने जूतों के ऊपर, या खर्च कर रहे हो अपने ऊपर, लग्जरी आइटम पर भी खर्च कर सकते हो. और कुछ जो वो बचा मतलब बाकी जो है वो आप सेव कर रहे हो. So that is happening here. But आप stingy नहीं हो जुलाई के मंथ में, आप कंजूसी नहीं कर रहे हो, आप enjoy करना चाहते हो लाइफ को. Suddenly कोई realization आपके अंदर आई है कि ज़िंदगी चार दिन की है तो इस चार दिन की ज़िंदगी को अच्छे से हम जी लें. एक होता है ढोंगी विरागी होता है जिस जो कहता है कि मैं spiritual हूँ, मैं simple कपड़े पहनता हूँ, मेरे पास गाड़ी है पर मैं स्पिरिचुअल हूँ ना इस वजह से मैं रिक्शा में ही जाऊँगा. ये होता है ढोंगी विरागी. अगर भगवान ने आपको दिया है, वो लग्जरी दी है, उस लग्जरी से कोई अच्छा काम करो ना. अब फ़ोन है, सोशल मीडिया है, कहते हैं बुरी चीज़ है. कैसे बुरी चीज़, लोग तो उससे मनी अर्न कर रहे हैं, बुरी चीज़ कैसे है? उसका सदुपयोग करोगे तो वो अच्छी चीज़ है, दुरुपयोग तो आप खुद कर रहे हो तो वो उसका ऑफकोर्स बैड रिजल्ट आएगा. तो वही बात है यहाँ पर. ऑफकोर्स ये ज़रूरी है कि आपके पास जो मनी आ रहा है आप उसका अच्छे से यूटिलाइज करो, आप उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, आप अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करो क्योंकि आप खुद एक इन्वेस्टमेंट हो, तो अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करो पर सेव भी करो. तो अगेन श्री अरबिंदो कम्प्लीटली शैटर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन नॉट वियरिंग या वियरिंग नेम ब्रांड क्लोथ्स. मतलब अ स्पिरिचुअल पर्सन कैन इवन बी फैशनेबल, कैन बी नॉट, आई शुड नॉट से फैशनेबल, आई शुड से अ स्पिरिचुअल पर्सन कैन इवन वियर नेम ब्रांड क्लोथ्स. इट्स परफेक्टली फाइन क्योंकि स्पिरिचुअलिटी स्पिरिट की है, आत्मा की है. अगर आप डिटैच्ड हो ना उस महंगी चीज़ से भी वो मैटर करता है, पर अगर आप अटैच्ड हो तो आप माया से अटैच्ड हो गए, फिर गड़बड़ हो जाती है शुरू. उससे इतनी अटैचमेंट की अगर वो चीज़ चलेगी तो दुख ही दुख, वो अटैचमेंट तो गलत है. पर अगर आप अटैच नहीं हो, आप बस उस सुख सुविधा का यूज़ कर रहे हो और फिर उसके बाद साइड हो जाते हो, आप उससे अटैच नहीं हो, तो दैट्स फाइन, दैट्स एक्चुअली गुड और ऐसा ही होना चाहिए. तो यहाँ पर ये जो सारे कार्ड्स आए हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ फुली इन्जॉय कर रहे हो, फुली
यहाँ कोई इस एज सच मेंटल हेल्थ इशू भी आपके लिए नज़र नहीं आ रहा जुलाई के मंथ में, जो अभी तक इंडिकेशन है कि कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं है. आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हो. आपका दूसरों से संबंध संपर्क, जिनसे भी आप संबंध संपर्क में आ रहे हो, उन सभी के साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ अच्छा नज़र आ रहा है. आप अपने मन पसंदीदा लोगों के साथ हो, उनकी कंपनी में हो, और आप मनी भी सेव कर रहे हो कुछ, बट काफ़ी सारा मनी आप अपने ऊपर भी, अपनी ज़रूरतों के ऊपर भी, अपनी लग्जरी आइटम्स की तरफ भी जो हो डाल रहे हो, या उससे कोई उस मनी से कोई लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हो. देन वी हैव द नर्चर कार्ड. यू आर एक्चुअली नर्चरिंग योर सेल्फ, एंड इवन यू कैन गिफ्ट समथिंग टू योर पेरेंट्स, स्पेशली यू कैन गिफ्ट समथिंग टू योर मदर. मे बी यू आर गिफ्टिंग हर अ साड़ी, मे बी यू आर गिफ्टिंग हर समथिंग एल्स, मे बी फ्लावर्स, बट यू आर गिफ्टिंग समथिंग टू योर पेरेंट्स, एंड आपके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहे हैं आपसे. इवन इफ यू आर इन एजुकेशन, योर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड सडनली जैसे ये मेरे को एक जैसे हैंगर होता है ना, कपड़े टांगने वाला हैंगर, वैसा लुक भी दे रहा है. सो आई फील सम ऑफ यू कैन ऑफकोर्स गिफ्ट क्लोथ्स टू योर पेरेंट्स, देन बट कुछ ना कुछ दे रहे हो. देन वी हैव द प्रोग्रेशन. इट सेज जर्नी. प्रोग्रेस आप अपनी लाइफ में कर रहे हो. ये करियर वाइज प्रोग्रेस हो सकती है, मेंटल हेल्थ वाइज प्रोग्रेस हो रही है, पर आप कोई ना कोई प्रोग्रेस अपनी लाइफ में कर रहे हो. वट आई फील इज ये प्रोग्रेस आपके करियर में हो रही है. और ये रीजन जो है, येस वी ऑल्सो हैव सेजिटेरियस साइन एक्सपैंड. आप एक्सपेंशन कर रहे हो, एंड बिकॉज सैटर्न गॉट रेट्रोग्रेड, और यहाँ पर है समय का साइन, राइट? वी हैव द टाइम हेयर. तो सैटर्न जो है वो समय को, वो टाइम को शो करता है. और यहाँ पर भी जो है नाइन ऑफ पेंडिकल्स और सेवन ऑफ पेंडिकल्स का कार्ड आया हुआ है. जो पेंडिकल्स का कार्ड है वो मनी का कार्ड है, वो रिसोर्सेस का कार्ड है. तो यहाँ सैटर्न इज द ग्रह जो कि आपके 10th हाउस ऑफ करियर और 11th हाउस ऑफ गेन्स फ्रॉम करियर को शो करता है, उसको सिग्निफाई करता है, और केप्रिकॉन और एक्वेरियस साइन को रूल करता है. और 10th हाउस और 11th हाउस भी नेचुरली केप्रिकॉन और एक्वेरियस ही रूल करता है. और इफ़ यू नो सैटर्न गॉट रेट्रोग्रेड इन द साइन ऑफ एक्वेरियस ऑन 17th ऑफ जून जो है रेट्रोग्रेड हुआ था सैटर्न, वो भी नून टाइम में, इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग नून टाइम पर रेट्रोग्रेड हुआ था. तो सैटर्न इज आर एफर्ट, सैटर्न इज आर वर्क, सैटर्न ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस को शो करता है, बट सैटर्न हमारे एफर्ट को शो करता है. तो एफर्ट आपके यहाँ पर रिफाइन होंगे इस सैटर्न रेट्रोग्रेड में, क्योंकि सैटर्न एक्वेरियस साइन में रेट्रोग्रेड हो रहा है. और कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपने पिछले साइन जैसा इफेक्ट देना शुरू करता है, क्योंकि एक्वेरियस में रेट्रोग्रेड है सैटर्न, तो वो केप्रिकॉन जैसा बिहेव करेगा सैटर्न. और केप्रिकॉन हमारी एफर्ट, हमारे करियर को शो करता है. तो करियर में जो है, आप करियर को इम्प्रूव करने में अपना एफर्ट लगाओगे. आप करियर में लाइक फॉर यू सेविंग होती है एक्स्ट्रा मनी अर्न करना, वो आपके लिए सेविंग है कि मैं कैसे एक्स्ट्रा मनी अर्न करूं, दैट इज़ द सेविंग फॉर मी. मैं अपने खर्चे नहीं घटाऊंगी, मैं और अर्न करूंगी, वो उससे मैं सेव कर लूंगी, वो मेरी सेविंग है. और यहाँ पर ये प्रोग्रेशन कार्ड यही शो करे, करियर में आप प्रोग्रेस करोगे. करियर में जो आप अटके हुए थे तो वो अटकन खत्म हो जाएगी, और एक जर्नी जो है, एक लिटरली कोई ट्रैवल हो सकता है करियर की वजह से. एंड अगेन यू आर रिफाइनिंग योर एफर्ट. You may go back to school, you may learn something in this Saturn retrograde time, और वो जो learning है वो आपके career regarding learning होगी, क्योंकि Capricorn वाला Saturn, मतलब Saturn Capricorn वाले Saturn की तरह behave कर रहा है. Saturn is behaving like the sign of Capricorn, तो वो education भी आप कोई लो, कोई course भी करो, तो वो आप अपने career को improve करने की वजह से लोगे वो education. अपने मन की वजह से नहीं दे कि I love music और but my career is something else, I want to learn music because I want to learn music, this is my hobby. नहीं, आप अपने करियर की वजह से कोई चीज़ लर्न करोगे, दैट कैन बी सीन हियर. और अपने करियर को और इम्प्रूव करना चाहोगे, उसको और बेटर बनाना चाहोगे, और बेटर कर भी पाओगे, ये भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ड्यूटी कमिटमेंट सेक्रीफाइस से आप काम कर रहे हो. बहुत अच्छे से आप अपना टाइम जो है मैनेज कर पा रहे हो, और अपने टाइम को करियर में, एनर्जी को करियर में लगा पा रहे हो. चाहे जितने ऊंचे पहाड़ है, चाहे जितनी स्टीप चढ़ाई है, आप फिर भी एक माउंटेन राम की तरह जो है zigzag करके चढ़ी जाते हो, दैट कैन बी सीन. चाहे पहाड़ जितना भी बड़ा हो, बट स्टिल आप चढ़ जाते हो, क्लाइंब कर जाते हो, मुश्किल से आगे निकल जाते हो. देन वी हैव द ट्रस्ट कार्ड. सो लेट मी पुल वन मोर कार्ड विद फॉर दिस ट्रस्ट कार्ड. ये ट्रस्ट कार्ड
some more info. Kis cheez par trust? We have blessings. All right. So we were talking about Saturn. Saturn is a graha jo aapko past life karmas ka result dete hai. गुड रिजल्ट यहाँ पर आपको सैटर्न देने वाला है, क्योंकि सैटर्न कैन इवन गिव यू बैड रिजल्ट्स, क्योंकि आपने बैड कर्मस करे थे तो उसका फर्स्ट बैड रिजल्ट आएगा. बट स्पेशली विद द ट्रस्ट एंड द ब्लेसिंग्स कार्ड हियर, तो सैटर्न इज एक्चुअली गिविंग यू द ब्लेसिंग. मतलब आपको सपोर्ट मिलने वाला है, जो सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट जो आपको हेल्प करेगा अपने करियर को क्लाइम, अपने करियर की लैडर को क्लाइम करने के लिए. जस्ट यू नो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये पूरा कमरा साफ करना होता तो कितना मुझे समय भी लग जाता अकेले करना, और मुझे कितना एनर्जी मेरी लग जाती, और फिर क्या पता मैं रीडिंग भी ना बना पाती. पर क्योंकि मेरे घर में हाउस हेल्प है तो उन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने नीचे वाली जाली साफ कर दी, मैंने ऊपर वाली जाली साफ कर दी, उन्होंने जो है झाड़ू पोछा कर दिया, मैंने और कहीं और साइड पर डस्टिंग कर ली, मैंने इस टेबल को खुद साफ़ करा है, मैंने अपने कबर्ड या वो सारे एरिया को मैं खुद डस्टिंग करती हूँ, कुछ उनसे करा लेती हूँ, मैं कुछ खुद कर लेती हूँ. यानी अपने हाउस हेल्प की भी हेल्प करना, अगेन उस हेल्प में भी हमारी हेल्प है क्योंकि काम तो हमारा ही है, पर इंसान को इंसान समझना, इंसानियत दिखाना, एक तरह से सैटर्न इम्प्रूव करना. जब हम अपने सर्वेंट से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि इंसानियत है, सैटर्न इंसानियत सिखाता है, और सर्वेंट वाले काम भी करते हैं. अगेन चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम घर को अच्छे से साफ करें, हम घर के लिए कुछ करें, तो इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं. इससे एक्चुअली ईगो कम होती है. जो सन का सन एक माइल्ड मलफिक इसीलिए क्योंकि वो ईगो को शो करता है, तो ईगो को कम करेगा और सन को सन पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव हो जाएगा, सन भी स्ट्रेंथन हो जाएगा. तो सन स्ट्रेंथन हुआ, ऑफकोर्स फेम मिलेगा. सन स्ट्रेंथन हुआ तो हमारी जो अगेन सन इज द नेचुरल आत्मा कारका, तो हमारी आत्मा और पावरफुल होगी, और जितनी आत्मा में शक्ति उतनी शरीर में शक्ति, उतनी हेल्थ अच्छी. तो कितनी सारी चीज़ें अच्छा व्यवहार करने से, इंसानियत से चलने से ही आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है. एक नेगेटिव ग्रह भी उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, उसको हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं. तो हियर लाइक विद द यू नो सैटर्न एंड ब्लेसिंग इन ट्रस्ट कार्ड, समहाउ सैटर्न इज गोना गिव यू गुड रिजल्ट्स, इज गिविंग यू ब्लेसिंग्स, और कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा आपको अपने करियर में. और वो सपोर्ट आपका परिवार भी हो सकता है, वो सपोर्ट आपके सर्वेंट या जो लोग आपके अंडर वर्क कर रहे हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो ना हो तो आप आगे नहीं आ सकते. अगर मैं घर के कामों में इतनी बिजी हो जाऊं तो मैं रीडिंग ही नहीं बना पाऊंगी. यानी कि मेरा जो ये जो वर्क है इसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पेरेंट्स और हाउस हेल्प है, दोनों है. घर संभला हुआ है तभी करियर जो है, तभी यहाँ पर बैठी हो. फॉर अगेन मेल्स इट कैन बिकम अ लिटिल डिफरेंट, बट फॉर अ फीमेल उस वो एक उसका रोल है, फीमेल का रोल है टू सी द हाउस. एक मेल का भी रोल होता है, बट अगर हम नेचुरल फेमिनिन नेचर में जाएं तो उसका काम घर को देखना है उस वो ज़रूरी है फॉर अ फीमेल. और फीमेल को अच्छा लगता है, एक हमारी जो फेमिनिन एनर्जी है वो अच्छा महसूस करते हैं जब हम घर में रमन करते हैं, जब हम घर को अच्छे से ट्रीट करते हैं, यानी घर को साफ सुथरा रखते हैं, घर वालों के लिए कुछ करते हैं. तो जो फेमिनिन एनर्जी है, आत्मा, तो उसके पास फेमिनिन एनर्जी भी है, मैस्कुलिन एनर्जी भी है, क्योंकि एक आत्मा कई बार एज अ मेल पैदा होती है और कई बार एज अ फीमेल पैदा होती है. तो आत्मा के तो दोनों संस्कार है, फीमेल के भी मेल के भी. तो जब वो हम घर के काम करते हैं तो जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है हमारी आत्मा की, वो ताकतवर होती है. पुरुष तो ताकतवर है ही, प्रकृति भी ताकतवर होती है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति आत्मा में है. आत्मा मेल और फीमेल दोनों यू नो रोल्स प्ले करती है, तो वो फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती है. तो यहाँ पर जो है सपोर्ट जो है आपको यहाँ पर अपने परिवार से, अपने दूसरे रिलेशनशिप से, हेल्पर से, हाउस हेल्प से, या फिर जो आपके अंडर वर्क करते हैं, जो भी लोग आपको हेल्प करते हैं अपने करियर में आगे बढ़ने की, उन लोगों से फुल सपोर्ट मिलेगा जुलाई के मंथ में. और इस वजह से करियर बहुत अच्छा जाएगा, इस वजह से आप मनी ज़्यादा अर्न कर पाओगे, इस वजह से आप वो सारी चीज़ें कर पाओगे जो आप करना चाहते थे, जो भी जो सारी चीज़ खरीद पाओगे जो आप खरीदना चाहते थे. सपोर्ट बड़ा मैटर करता है,
सपोर्ट सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना वो स्ट्रांग पर्सन होगा, पीछे जितने लोग उतना वो आगे वाला पर्सन स्ट्रेंथ फील करता है। तो परिवार इस वजह से बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है। पर अगेन विश अभी जो रियलाइजेशन हमें आई है फ्रॉम द पास्ट 100 ईयर्स वो यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है, उसको परिवार की तरह अपनेपन से ट्रीट करना है। फिर यहाँ पर जो अब हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है ले लेते हैं फ्रॉम द टैरो, आपके करियर के बारे में, आपके एजुकेशन, जॉब, बिजनेस के बारे में, और फिर दूसरा कार्ड हम पुल आउट करेंगे आपके फाइनेंसेस के बारे में, तीसरा हम पुल आउट करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, और चौथा आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में। सो पाइल नंबर 3 का करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली किन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है जॉब में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जॉब में जिसमें आप क्रिएटिवली काफ़ी इन्वॉल्व होगे, जो आपको अच्छे लगेंगे। बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत अच्छे लोगों से आपका संबंध संपर्क बन रहा है, और आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहे हो कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज आई है। एंड अगेन एजुकेशन में भी आप क्रिएटिव चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकते हो। सो आई डोंट नो इफ दिस हैपन्स इन एवरी स्कूल, इन एवरी कॉलेज और नॉट, बट स्कूल टाइम में, इन माई स्कूल टाइम जुलाई के मंथ में ना एग्जीबिशन की तैयारी होती थी, अगस्त के फर्स्ट वीक में वो एग्जीबिशन लगती थी स्कूल में, और वो एग्जीबिशन हम सारे बच्चे क्रिएट करते थे, कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ हम जो है हर कमरा स्कूल का उसमें रखते थे, कोई ना कोई क्रिएटिव चीज़ों से भरा होता था उस टाइम स्कूल, तो वो सारी चीज़ें हम बनाते थे पूरे जुलाई के मंथ में। तो ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है ये भी शो कर सकता है, आप में से काफ़ी सारे अगर एजुकेशन में हो तो आपके स्कूल कॉलेज में जो है कोई पेंटिंग, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, इन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब करो और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप परफॉर्म करो और आपको रिकग्निशन मिले, आपको बहुत अच्छा लगेगा मन से भी। इससे आपका मन शांत हो जाता है, मन रिलैक्स हो जाता है, मन एनर्जाइज हो जाता है, और आपका एकेडमिकली भी जो है एकेडमिक्स में आप बेटर कर पाते हो फिर उससे। तो आपकी क्रिएटिविटी जो है यहाँ पर यूज होने वाले जुलाई के मंथ में आपके करियर में, बिजनेस, जॉब में, और आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले इस वजह से, काफ़ी यू नो न्यू आइडियाज़ आपकी तरफ आ रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आप सोच पा रहे हो, दैट कैन बी सीन। क्रिएटिव फ्लो बहुत ज़्यादा है, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट तो बहुत बढ़िया मंथ है जुलाई का, एंड इवन इफ यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, यू आर वर्किंग इन नॉर्मल जॉब, तो नॉर्मल जॉब आपको बोरिंग नहीं लगेगी, अच्छी लगेगी, और आपको ये मन करेगा कि सुबह हो और मैं ऑफिस या मैं अपने बिजनेस को ज्वाइन करूँ, तो यू आर गोइंग टू बी एक्साइटेड एवरी मॉर्निंग कि येस आई हैव टू गो आउट एंड आई हैव टू वर्क। देन वी हैव फाइव ऑफ कप्स, जो आपके मनी को, आपके फाइनेंसिस को शो कर रहा है। फाइव ऑफ कप्स यहाँ ये शो कर रहा है दैट अगेन सेम चीज़ कि 60 या 65% जो है ना मनी, वो आप अपनी जो चाहते हैं आपके उसको पूरी करने में लगा रहे हो और बाकी का मनी आप सेव कर रहे हो। एंड द थिंग इज दैट यू आर गोइंग टू बी डिससैटिस्फाइड लिटिल के आई वॉन्ट मोर मनी, आई वॉन्ट मोर मनी, आई डिजर्व मोर। इट्स अ गुड एंड अ बैड थिंग। गुड थिंग इसलिए कि क्योंकि यू आर गोइंग टू बी डिससैटिस्फाइड, इस वजह से आप और एफर्ट करोगे और मनी अर्न करने की कोशिश करोगे, और बैड चीज़ इसलिए क्योंकि इवन इफ यू गेट यू नो यू आर लाइक आई गॉट द 100 रुपी नोट, नाउ आई वांट टू गेट दैट 200 रुपी नोट, यू आर गोइंग टू गेट दैट 200 रुपी नोट, फिर आप कहोगे मुझे वो 300 रुपी नोट चाहिए, फिर वो 300 रुपी नोट भी मिल जाएगा, बट फिर उसके बाद कहोगे अब 400 रुपीज़ चाहिए, तो मतलब सेटिस्फैक्शन ही नहीं है। आप इस वजह से आगे तो बढ़ते जाओगे जुलाई में अपने करियर में मनी वाइज, पर सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, वो पेट ही नहीं भरेगा। एक तरह से यू आर बिकमिंग लाइक राहु, राहु लिटरली कैन बी इन योर 10th house ऑफ करियर, और राहु कैन बी इन द 11th house ऑफ गेंस इन योर चार्ट इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर D10 चार्ट में, या फिर D12 चार्ट में, इवन D9। राहु कैन बी इन द 10th और कैन बी इन द 11th house। तो राहु होता है हेडलेस ग्रह, मतलब उसका सिर्फ सिर है, उसका ये बॉडी नहीं है, सिर्फ सिर है, तो जो भी वो खाएगा वो कुछ बॉडी तो है नहीं, तो गायब, तो वो खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, खाता ही जाता है, उसको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो अगेन माघा, 10th lord अगर माघा नक्षत्र में है तो भी सिमिलर चीज़ है। इवन तो माघा केतु रूल करता है, बट बिकॉज माघा इज़ अबाउट सीट ऑफ पावर,
गेटिंग थ्रोन ऑफ एंसेस्टर, सीट ऑफ पावर को शो करता है मागा, तो वो पर्सन हमेशा उस सीट ऑफ पावर की तरफ भागेगा. मैनेजर पोजिशन, फिर यू नो वाइस प्रेजिडेंट पोजिशन, फिर प्रेजिडेंट पोजिशन, सीईओ पोजिशन, उसकी तरफ भागेगा. वो सारी पोजिशंस भी उसको मिलेगी पर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क के बाद मिलेगी, पर उसके बाद भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा क्योंकि केतु रूल कर रहा है. केतु कहता है, केतु डज नॉट हैव हेड, केतु इज हेडलेस, केतु इज ब्रेनलेस, केतु जस्ट हैव दिस हार्ट विच बीट्स फॉर गॉड और इट जस्ट वॉन्ट्स टू गो टू हिमालयस एंड डू तपस एंड बी वन विद गॉड. तो केतु कहता है कि मैं तुम्हें वो फुलफिलमेंट तभी फील कराऊंगा जब तुम स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस होते हो, तब ही, अदरवाइज नहीं. ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है पैसों के पीछे, करियर के पीछे भागता रहता है. अगर टेंथ लॉर्ड मागा में है तो, या फिर राहु, राहु इवन केतु अगर है, राहु केतु अगर टेंथ या इलेवेंथ हाउस में, तो भी सिमिलर चीज़ें देता है. तो वही चीज़ें फाइव ऑफ कप्स भी यहाँ शो कर रहे हैं कि यू आर गोना बी लाइक आई वॉन्ट मोर 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 मनी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, आई वॉन्ट मोर. तो आप उसके लिए एफर्ट करोगे, वो आपको मनी भी मिल जाएगा. जितना आप एफर्ट करोगे उतना आपको मनी मिल जाएगा, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा. आप और एफर्ट करते जाओगे और आपके पास मौका भी होगा, कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल हेल्थ भी यहाँ अच्छी नज़र आ रही है तभी तो आप इतना एफर्ट कर पा रहे हो. मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नज़र आ रही है तभी तो आप इतना एफर्ट कर पा रहे हो, अपना 100% दे पा रहे हो अपने वर्क में. और आप जैसा काम कोई और नहीं कर सकता. आपके अंदर जो क्वालिटी है वो किसी और के पास नहीं. आप ओरिजिनल हो, आप एक पीस हो दुनिया में. तो यू आर अगेन someone who is not going to be satisfied easily in the month of July. Hence, you're going to put more efforts और उसका आपको result भी अच्छा मिलेगा, equal result मिलेगा जितना आपने effort करा है उतना result. Then for your personal life, we have the Eight of Swords. Eight of Swords यहाँ ये show कर रहे हैं कि you are like, I want to pull one more card here. ओके, यहाँ पर थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गए, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गए, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी आ गए और नाइन ऑफ कप्स रिवर्स में आया है. काफ़ी सारे कार्ड्स निकल आए हैं, नाइन ऑफ कप्स रिवर्स में है. सो आई फील इन योर पर्सनल लाइफ यू हैव लॉट गोइंग ऑन, यू डू हैव अ लॉट गोइंग ऑन हेयर. मे बी यू गेट दिस इंफॉर्मेशन, ये चीज़ आई डोंट थिंक कि आपके साथ हो रही है. स्पेशली जो थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है इसके अंदर हम एक फ़ोन देख रहे हैं और उस फोन में एक दिल है और उसके अंदर तीन स्वॉर्ड्स घुसी हुई है. आई डोंट थिंक कि आपका कोई हार्ट ब्रेक हो रहा है यहाँ पर्सनल लाइफ में, आपका दिल टूट रहा है. आई डोंट फील दैट हैपनिंग. व्हाट आई फील कि आप दूसरे लोग जो मे बी काफ़ी सालों से मैरिड थे और मे बी आप उनका यूट्यूब चैनल देखते थे, व्लॉग्स देखते थे, एंड नाउ वॉट यू सी इज दैट दे आर सेपरेटेड एंड यू आर लाइक हार्ट ब्रोकन दैट आई यूज टू आई वॉच देम फॉर 10 years, आई वॉच देम फॉर 5 years, एवरीथिंग वॉज सो गुड. बट हाँ, हम किसी की रियल लाइफ 10 minute के व्लॉग से तो जज नहीं कर सकते हैं. बट यू फील हार्ट ब्रोकन दैट दिस कपल इज नाउ डाइवोर्स, दे आर नॉट टुगेदर एनी मोर, एंड यू आर लाइक वाई दिस हैपेंड. And then you start to Google about it or you start to YouTube about it and then you get to know कि शायद ये reason है, वो reason है. But yeah, like something on social media can happen जो आपका time ले, और वो जो चीज़ है वो कोई breakup से regarding होगी जो आप उसके बारे में सोचोगे काफ़ी, या उसके बारे में आप और videos देखोगे कि ऐसा क्यों हुआ. तो कहीं ना कहीं आप social media पर ये चीज़ों में involved रह सकते हो और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपका पीस ऑफ माइंड भी लेती हैं somehow. देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. व्हील ऑफ फॉर्चून ये शो करता है कि ऑफकोर्स आप इससे मूव ऑन कर लोगे, इस इंफॉर्मेशन से भी आप मूव ऑन कर लोगे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यू आर गोना एक्सेप्ट जो भी हुआ. मतलब समटाइम्स यू गेट सो इन्वॉल्व विद अदर यूट्यूबर्स. विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी लाइक समवन इज कमिंग इन योर लाइफ नहीं, और वो भी बड़ी तेज़ी से. और ये पर्सन जो प्लेयर काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, कैसनोवा. सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू आर लाइक ओ दे आर वेरी रोमांटिक और दे आर वेरी फ्लर्टिशियस. वो काफ़ी यू नो आपसे बात करने की कोशिश करें, दे कैन बी अ बिट फ्लर्टी इन नेचर एंड यू आर लाइक ओके सो यू कैन बी
यू नो फीलिंग बिट वियर्ड ओवरवेल्म्ड एज वेल, बट ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं. और नाइन ऑफ कप्स जो है रिवर्स में है. नाइन ऑफ कप्स ये शो करता है दैट यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस पर्सन, यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन आपको ना वो सेटलमेंट वाला नहीं लगता है, हस्बैंड मटीरियल या वाइफ मटीरियल नहीं लगता है. तो इस वजह से यू आर लाइक आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, आई डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम, आई वांट समथिंग जो परमानेंट रहो मेरे लाइफ में. तो मैं ऐसी जगह पर ही अपना समय अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो नमस्ते. तो लाइक इट्स लाइक दैट एंड यू आर लाइक कि वाई दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू टॉक टू मी. और आप इस पर्सन को बिल्कुल भी भाव ना दो, बट या बिकॉज यू फील इस पर्सन की अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, इस पर्सन की बात करने के तरीके से, इस जो आपको वाइब्रेशन या जो आपको एनर्जी इस पर्सन की फील हो रही है वो एक प्ले गर्ल प्ले बॉय टाइप एनर्जी है और एक अगेन प्लेफुल एनर्जी है, बट दे आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टू यू. एंड क्योंकि एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है तो यू आर थिंकिंग कि नहीं 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 ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता, अगर हम रिलेशनशिप में आए तो ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता क्योंकि ये पर्सन इतना सीरियस नहीं नजर आ रहा है. यू आर थिंकिंग यू नो अ लिल नेगेटिव अबाउट दिस इंडिविजुअल. ऑल्सो आपको ये भी फील होगा कि जब इतने अच्छे अच्छे कपल्स ही अलग हो गए और ऊपर से मैं इतने डाइवोर्स या सेपरेशन की न्यूज़ वगैरह सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ और इस समय पर ये आया, लाइक वॉट इज़ द यूनिवर्स ट्राइंग टू टेलिंग मी, लाइक वॉट इज़ द यूनिवर्स टेलिंग मी राइट नाउ, वॉट इट इज़ गाइडिंग मी. क्योंकि मुझे कहाँ पर तो डाइवोर्स और सेपरेशन की चीज़ें दिख रही है और फिर ये पर्सन एंटर होता है इन माई लाइफ, आई एम कन्फ्यूज. तो ऐसी सिचुएशन यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है. गाइडेंस यही है दैट यू शुड कीप योर डिस्टेंस, क्योंकि एट ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स भी रिवर्स में कार्ड है. अगर ये नाइन ऑफ कप्स ऐसा सीधा होता ना, अपराइट होता तो ठीक था, पर अब ये रिवर्स में है तो इट शोज कि एक फैमिली पर्सन नहीं है, या फिर अभी के लिए फैमिली पर्सन ही. अगेन टैरो हमारी करंट एनर्जीज को शो करता है, तो कहीं ना कहीं ये अभी पर्सन मैरिज के लिए मे बी रेडी नहीं है और ये इतने भी ज़्यादा कमिटेड नहीं है. अगेन फ्यूचर में ये पर्सन ऑफकोर्स बदल सकते हैं, बट गाइडेंस अभी जो है स्पिरिट से यही आ रही है दैट टू कीप योर डिस्टेंस, डोंट हर्ट एनी वंस फीलिंग, डोंट डू दैट, बट कीप योर डिस्टेंस. ऑल राइट, डिप्लोमेटिक आंसर दिया ना, बट यही इंफॉर्मेशन है यहाँ पर कि कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम देम, सी वॉट हैपन्स एज टाइम प्रोग्रेसेस. ऑल राइट, देन वी हैव द सेवन ऑफ कप्स फॉर योर हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. तो सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर शो कर रहे हैं कि आप अपने साथ समय बिता रहे हो. ये चीज़ जो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी शो करता है, अपने साथ समय बिताना, अपने लिए कुछ चीज़ें करना, अपने आप के बारे में सोचना पहले, दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें. एक प्रेयर होती थी ना स्कूल में, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करें, हमको मन की शक्ति देना, समथिंग. दिस वॉज द प्रेयर. सो सेवन ऑफ कप्स ये शो करे दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. यू हैव टाइम कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ करो, कोई एक्सरसाइज करो, वेदर इट्स जस्ट यू नो 8 minutes एक्सरसाइज और अ 10 minute वर्कआउट, और यू आर गोइंग टू द जिम, और जिम के नीचे कोई जो है खाने पीने की भी शॉप हो तो उस खाने पीने की शॉप से आप फिर कुछ लेकर जाओ, आज मैंने जिम करा है तो मैं अब अच्छा खाना खाऊंगा. अगेन योर मोटिवेशन कैन बी पाइल नंबर 3 कि मैं जिम करूँ और मैं अच्छा खाना खाऊं, मैं वो खाना सब डाइजेस्ट कर सकूं जो मैं खाकर करना चाहता था डाइजेस्ट पर हो नहीं रहा था, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द जिम. कई लोगों की मोटिवेशन होती है कि मैं पतला दिखूं, मेरे मसल जो है थोड़े बफ नजर आए, मेरे मसल अच्छे नजर आए, मैं मसल या स्ट्रेंथ गेन करना चाहती हूँ. कुछ लोगों का ये है मोटिवेशन, कुछ लोगों का मोटिवेशन ये होता है कि मैं अच्छे से खा पी सकूं जो मैं चाहता हूं. तो लाइक योर मोटिवेशन कैन बी कि मैं जो मतलब यही है मोटिवेशन कि मैं एक्सरसाइज इसलिए करती हूँ ताकि मैं खा सकूँ. तो ये आपका मोटिवेशन भी यहाँ नज़र आ रहा है. और आपके पास समय है या आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है कि जहाँ पर आप अपनी मेंटल हेल्थ और आप अपनी फिजिकल हेल्थ को समय दो.
और हैप्पी हैप्पी टाइम यहाँ नजर आ रहा है आपके लिए जुलाई के मंथ में पाइल नंबर 3, लिटरली अ हैप्पी हैप्पी टाइम, अ हैपनिंग टाइम. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव द करेज कार्ड. इट सेज आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस. सो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है जुलाई के मंथ में कोई चीज़ मेरे कंफर्ट जोन से बाहर है, उस चीज़ को ज़रूर करना, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन वहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा. फिर करेज दिखाओ, हिम्मत दिखाओ, हिम्मत शक्ति दिखाओ. कहते हैं ना कि हिम्मते बच्चे मददे खुदा. खुदा क्या है? हमारा पिता है, भगवान हमारा पिता है. तो हिम्मते बच्चे मददे बाप, असल में ये होना चाहिए, क्योंकि भगवान से हमारा बड़ा क्लोज का संबंध है. और जो हमारे संबंध संपर्क में होता है उसको हमें याद, उसकी ऑटोमेटिक याद रहती है. उसको हमें बैठकर मेडिटेशन नहीं लगाना होता है, उसकी ऑटोमेटिक एक याद रहती है. तो जैसे ही पिता कोई कहे तो लौकिक पेरेंट की शक्ल नहीं मन में याद आनी चाहिए, पर उस एक परमात्मा की वो पॉइंट ऑफ लाइट वो याद आना चाहिए. हिम्मत दे बच्चे, मद दे खुदा, मद दे बाप. तो पिता यहाँ पर मदद हमेशा करता है. ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉडफादर मदद ज़रूर करता है, क्योंकि हम उसके लाडले बच्चे हैं. तो करेज जो है दिखाना है, अपना हिम्मत रखनी है, करेज रखना है. इससे जो है आप गेन करेज करते हो, एक कदम बढ़ाते हो तो भगवान 100 कदम हमारी तरफ बढ़ाता है. वो हमारा पिता है, तो आपको मदद ऑटोमेटिकली मिलेगी. एंड लिटरली इन योर 9th house देयर कैन बी सम प्लैनेट्स प्लेस, मे बी योर सैटर्न एंड जुपिटर आर प्लेस इन द 9th house. इन सैटर्न एंड जुपिटर आर इन कंजंक्शन, या फिर कोई और मेजर प्लैनेट्स जो है वो 9th house में. जब भी प्लैनेट्स 9th house में, स्पेशली केंद्र लॉर्ड जो है वो त्रिकोण हाउस में है, स्पेशली केंद्र लॉर्ड जो है, कोई भी केंद्र लॉर्ड जो है वो 9th house में है, तो ये शो करता है कि भगवान की अपर छत्र छाया है. तो ऐसी प्लेसमेंट भी जो है आपके चार्ट में होगी इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर D9 या D12 चार्ट में पाइल नंबर 3. ऑल राइट, सो दिस वॉज द रीडिंग, दिस इज द इन्फॉर्मेशन फॉर यू. पाइल नंबर 3 अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ले तो ऑफकोर्स 9th house में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सैटर्न कैन बी अ मत्स्यकार का प्लैनेट और आत्माकार का प्लैनेट इन योर चार्ट. मत्स्यकार का इज द प्लैनेट होल्डिंग द सेकंड हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, विच रिप्रेजेंट्स द करियर. एंड यू कैन इवन हैव मूला नक्षत्र, प्लैनेट्स इन द मूला नक्षत्र. जो सेजिटेरियस साइन है उसके अंदर मूला, पूर्वा अषाढ़ा उत्तरा अषाढ़ा नक्षत्र आता है, तो इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. और आपके चार्ट में जेमिनी साइन भी प्रोमिनेंट होगा, उसके अंदर भी कोई प्लैनेट्स प्लेस हो सकता है. सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट इट्सेल्फ या असेंडेंट लॉर्ड कैन बी इन जेमिनी. जेमिनी में मृगशिरा और आर्द्रा और पुनर्वासु नक्षत्र आता है. एंड लियो कैन इवन बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट. लियो में मागा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आता है. तो ये जो साइंस है और ये जो ग्रहज है, ये D1 चार्ट में या फिर D12 या फिर D9 चार्ट में इनमें प्लैनेट प्लेस्ड होंगे. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 3. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू साइकोलॉजिकली, इमोशनली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू लेट मी नो हाउ दे रेजोनेट एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो. लाइक दिस वीडियो रीडिंग एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग, आई डू एस्ट्रो टैरो रीडिंग एंड नक्षत्र कुंडली रीडिंग. यू कैन बुक योर सेल्फ अ रीडिंग फ्रॉम आवर वेबसाइट. द लिंक टू माई वेबसाइट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज ब्रेसलेट्स, दीज आर हैंडमेड क्लेंस एनर्जी energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.